अच्छा जी, चैप्टर नंबर 7 आज हम शुरू करने लगे हैं फॉर्म्स। इसमें ये बात डिस्कस की जा रही है कि जी हाउ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूज़र्स। जो भी आपकी वेबसाइट पे विज़िटर आता है उससे आप जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे कलेक्ट करते हैं। लास्ट हमने इसकी थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर ली थी, चैप्टर शुरू नहीं कर पाए थे हम, जिसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि जी वेब 1.0 और वेब 2.0 में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। कि जी हमने इन द फर्स्ट प्लेस जो है वो यूज़र से डेटा कलेक्ट करना ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली थी। आज थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल की तरफ आ जाएं। कितने लोग मौजूद थे उस क्लास में जिसमें ये थ्योरी वाली डिस्कस हुई थी हमारी, वेब 1.0 और 2.0 का डिफरेंस हमने डिस्कस किया था? 4-5 लोग हैं। असल में उस क्लास में थोड़ी सी आवाम कम थी, शायद वो छुट्टियाँ फ़ौरन ख़त्म हुई थी इसलिए थोड़ी सी हमारे पास तादाद कम थी स्टूडेंट्स की। वेल, जिन लोगों ने वो मिस कर दिया था तो वो रिकॉर्डिंग उसकी है, पता नहीं मैंने पब्लिक तो नहीं की अभी तक, लेकिन होपफुली मैं कर दूंगा उसको पब्लिक। तो वहाँ से ज़रा थ्योरी देख लीजिएगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि थ्योरी ना उससे बात समझ आती है कि जी कहानी चल क्या रही है। अच्छा, तो ये कहते हैं कि जी फॉर्म की जब बात होती है ना तो आपके जहन में हमेशा एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट आता है कि जी कोई प्रिंट हुआ हुआ डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर कुछ खाने खाली छोड़े गए होंगे कि जी इसको फिल किया जाए, तो फॉर्म से वो जहन में आता है। और बात सही है, बिल्कुल फॉर्म वही होता है। तो यही सेम चीज़ हमारे पास, हम वेबसाइट पे भी क्रिएट कर सकते हैं यूज़र से विज़िटर्स से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अच्छा हाँ यार, ये थोड़ा सा जो है ना आज है गड़बड़ है। तो अच्छा, ये इन्होंने ना एक फॉर्म बना के दिखाया है जी कि जी फॉर्म कुछ इस तरह का होगा। बंदे से जो है ना नाम ईमेल इन्होंने कलेक्ट किया हुआ है और रिव्यू ले रहे हैं शायद कोई रेस्टोरेंट के बारे में। तो इस तरह का फॉर्म आपने अक्सर देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर। अच्छा, अब ये वाई फॉर्म है, ये इसी पर डिस्कस हुई थी सारी बातें, लेकिन अभी वो थोड़ी सी जो बुक में बात हुई है वो हम देख लेते हैं कि जी द बेस्ट नोन फॉर्म ऑफ द वेब इज़ प्रॉबेबली द गूगल सर्च। जो गूगल सर्च के ऊपर एक ये बना हुआ आता है ना सर्च बॉक्स, ये कह रहे हैं कि शायद ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो फॉर्म है इंटरनेट के ऊपर ये गूगल सर्च है, क्योंकि डेली बेसिस पे हम उसको फिल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताने की कोशिश ये की है कि जी फॉर्म आप प्रिंटेड जो पेपर पे फॉर्म होता है उसमें तो ये होता है कि जी बहुत सारे खाने होते हैं और वो फिर फॉर्म बनता है, लेकिन वेबसाइट के ऊपर वो खाना 10-12 भी हो सकते हैं या सिर्फ एक खाना भी हो सकता है जिसमें आप यूज़र से डेटा इनपुट ले रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि जी यूज़र से आपने ना किसी भी किस्म का डेटा जब इनपुट लेना होता है तो मोस्टली उसमें फॉर्म वाला हम तरीका इख्तियार करते हैं। तो ये एक फॉर्म है एक्चुअली जो हम फिल करके और नीचे इसके ये सबमिट का बटन हम दबाते हैं, यानी ये जिस पे सर्च गूगल सर्च लिखा हुआ है तो वो सबमिट का बटन है एक्चुअली इसके, तो वो हम प्रेस कर रहे होते हैं। फॉर्म कंट्रोल्स की हम बात करते हैं कि जी फॉर्म कंट्रोल्स क्या होते हैं। There are several type of form controls that you can use to collect information from visitors. अब ये form control जो हम printed form की अगर बात करें तो printed form में ना ज़रा form control पहले समझ आ जाएगी ये चीज़ है क्या। जहाँ पे CNIC number लिखने की जगह बनी होती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा वो खाने उन्होंने गिन के बनाए होते हैं उतने, कि जी वो नंबर आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, बीच में डैश भी उन्होंने पहले से लगाया होता है। तो दैट इज़ अ फॉर्म कंट्रोल कि जी आपने अगर NIC का नंबर एक आध कम लिख दिया ना तो वो पहले पता चल जाता है, आपको भी पता चल जाता है, जो फॉर्म बाद में देखेगा उसको भी पता चल जाता है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ जगहों पे कैपिटल लेटर में आपको चाहिए होता है नाम बंदे का, और जैसे अभी आप अगर डेबिट कार्ड के ऊपर आपने जो नाम लिखना होता है तो वो जब हम बैंक में जाते हैं ना फॉर्म फिल करने तो उसका जो फॉर्म होता है पेपर वाला फॉर्म जो हमें वो देते हैं उसमें वो खाने फिक्स होते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड पर एक सर्टन साइज़ होता है हमारे पास, वो उससे ज़्यादा लेटर उस पर नहीं आ सकते। तो वो एक हमें फॉर्म देते हैं तो उसमें आप उससे ज़्यादा लेटर लिख नहीं सकते, जितने आते हैं उतने ही लिखेंगे आप। किसी का नाम लंबा होता है तो वो बस खाने फिक्स हैं, खाने से बाहर जो चला गया वो उस पर नहीं आ सकता। तो इस तरह की चीज़ों से हम क्या करते हैं, फॉर्म को कंट्रोल करते हैं, इनपुट को कंट्रोल करते हैं। अगर तो मैंने वैसे ही पूछ लिया ना कि जी आप क्रेडिट कार्ड पर क्या लिखना चाह रहे हैं तो वो तो फिर कुछ भी लिख देगा, फिर वो एक फूल बना देगा उस पर कि यार ये मुझे बना के दे दो, तो वो तो नहीं ना पॉसिबल। वो डिजिट्स में नाम होते हैं तो अल्फा न्यूमेरिक नाम होता है वो। इसी तरीके से आप देखें जो प्रिंटेड फॉर्म होता है उसके अंदर सम टाइम आपसे अगर ये पूछा जाता है कि जी आपका मार्शल स्टेटस क्या है तो उसमें वो लिखते हैं कि जी मैरिड या अनमैरिड, सिंगल है ना, अदरवाइज़ तो और भी स्टेटस होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें इन दोनों में ही जवाब दें आप कि जी आप मैरिड हैं या सिंगल हैं, दैट्स इट,
हमें वो कॉम्प्लिकेटेड आपकी जवाब नहीं चाहिए कि जी ये हो गया तो वो हो गया। तो या इसी तरीके से अभी जेंडर आपसे जब पूछा जाता है तो वो उसमें मेल और फीमेल लिखते हैं, तो जेंडर और भी बहुत सारे होते हैं आजकल, आपको पता ही है मार्केट में नई चीज़ आ गई है, तो वो जेंडर बहुत सारे हो गए। अब उसको ये कहते हैं नॉन बाइनरी, उसके लिए एक टर्म भी इन्होंने डिवाइस कर दी है कि जी वो मेल फीमेल के अलावा जो पाँच छः और इन्होंने अपने वो उसको कह लें दिमाग का उनके मसला है जो भी है। बाय द वे ये मेडिकली भी प्रूफ हो गया है कि जी ये मेडिकल इशू नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल चीज़ होती है, जो मेल फीमेल के अलावा जिनको फील होता है कि हम कुछ और हैं वो उन साइकोलॉजिकल थिंग है, इट्स रैदर अ साइकोलॉजिकल थिंग। तो वो उसको अब क्या करते हैं, वो ज़ाहिर है इतने सारे जेंडर तो नहीं लिख सकते हर फॉर्म में, तो वो कहते हैं जी मेल फीमेल और नॉन बाइनरी, दैट्स इट। तो आपको वो कंट्रोल कर रहे होते हैं कि जी आप हमें इन तीनों में बताएं या इन दोनों में बताएं, तो दैट इज़ अ कंट्रोल्ड वे ऑफ टेकिंग इनपुट, है ना। तो क्या कहते हैं, वैसे जेंडर की बात निकल आई है तो हमारे इस्लाम में भी ना जेंडर दो ही होते हैं, ठीक है, ये क्योंकि हम मुसलमान हैं तो बात निकल आई, तो मैंने कहा यार आपसे नॉलेज शेयर करें। तो हमारे पास इस्लाम में भी ना जेंडर दो ही होते हैं, और अगर किसी को लगता है कि वो कोई तीसरा जेंडर है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो आप मुफ्ती साहब से जाके पूछेंगे। जो आम उसका जो हुक्म है वो ये है कि ज़ाहिर ही आप दूर से आता हुआ जो दिख रहा है बंदा, अगर वो मर्द दिखता है तो उस पर मर्दों के अहकाम हैं, वो मस्जिद जाएगा, नमाज़ पढ़ेगा, मस्जिद जाएगी। अगर वो दूर से आता हुआ खातून दिखता है, खातून दिखती हैं अगर, तो उन पर औरतों वाले सारे अहकाम हैं, औरतों वाली सारी शरीयत उन पर लागू होगी। किसी को अगर नहीं समझ आ रहा कि वो दूर से आता हुआ क्या दिखता है, तो वो किसी मुफ्ती साहब से जाके वो मशवरा करेगा और किसी एक तरफ हो जाएगा। तो इस्लाम के अंदर ये मेल फीमेल के अलावा कोई तीसरा जेंडर नहीं होता है। वेल, तो जी यहाँ पे भी ये फॉर्म कंट्रोल की बात हो रही है कि जी कौन कौन से ऐसे खाने, किस किस तरह के खाने होते हैं। प्रिंटेड फॉर्म के अंदर जी वो नाम का खाना वो डब्बे डब्बे वाला होता है, एक सीधा नाम का खाना होता है, एक कमेंट बॉक्स होता है कि जिसमें जी तीन चार लाइन आपने लिखनी हो तो आप वो लिख देते हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर का एक खाना बना होता है। तो ये मुख्तलिफ तरह के खाने होते हैं लेकिन ये लिमिटेड होते हैं प्रिंटेड फॉर्म के अंदर। ज़ाहिर है वो कुछ ऐसी चीज़ें इसमें होती हैं जो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे इन्होंने एक तो लिखा है टैक्स इनपुट, जो सीधा सीधा है, ये प्रिंटेड में भी इसी तरह होता है कि जी ये खाना बना हुआ होगा और सिंगल लाइन का उसमें आप इनपुट लिखेंगे कि जी नेम या फादर नेम या आपका जो है ना एड्रेस वगैरह, ये सिंगल लाइन वाली चीज़ें हैं ये सारी। उसके अलावा इसमें टेक्स्ट के अंदर सम टाइम पासवर्ड का इनपुट भी लिया जा रहा होता है। जैसे लॉगिन फॉर्म की अगर हम बात करें या साइन अप फॉर्म की बात करें, तो उसमें वो कहता है कि साइन अप फॉर्म में कि अपना नया पासवर्ड आप लिखें। दो खाने बने होते हैं, एक में पासवर्ड लिखें, दूसरे में उसको रिपीट करें ताकि वो कोई गलत कोई बटन सम टाइम सख्त होता है, ख़राब होता है, तो वो पता चल जाए कि हाँ जी गड़बड़ हो रही है। तो वो क्या होता है कि जी पासवर्ड इनपुट के अंदर ना ऐसा ही स्टैरिक बना के आपको दिखा रहे होते हैं, बजाय उसके कि एक्चुअल पासवर्ड डिस्प्ले करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पड़ोस में कोई बंदा बैठा है या कोई CCTV वगैरह लगा है, अब उसमें वो पासवर्ड आपका क्या कहते हैं ना आ जाए, तो वो स्टैरिक होता है। तो जी वो अब तो बल्कि वो ATM में भी आपने देखा, वो यूँ कवर लगा देते हैं वो कीबोर्ड के ऊपर कि जी वो आपका हाथ भी ना दिखे कि आप अंदर क्या किधर हाथ रखा हुआ है आपने। तो ये पासवर्ड इनपुट जो है वो पेपर वाले फॉर्म में आमतौर पर नहीं होता, क्योंकि उसमें ये पॉसिबल नहीं है, उसकी ये ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तीसरा जो इन्होंने टेक्स्ट इनपुट बताया है कि जी वो टेक्स्ट एरिया के नाम से होता है, ये HTML की स्पेसिफिकली बात हो रही है, टेक्स्ट एरिया के नाम से होता है। टेक्स्ट एरिया में और सिंगल लाइन का जो टेक्स्ट इनपुट है वो उसमें डिफरेंस ये है कि ये दो तीन लाइन का होता है, वो सिंगल लाइन का होता है, दैट्स इट, ये इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अच्छा, टेक्स्ट एरिया में एक और बेनिफिट होता है, उसको खींच के बड़ा भी कर सकते हैं, वो भी हम थोड़ी देर में कोड लिखते हैं तो हमें पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता कि ये क्या चीज़ है। मेकिंग चॉइसेस में ना तीन तरह के जो है ना फॉर्म कंट्रोल्स मौजूद हैं HTML के अंदर। नंबर एक है रेडियो बटन में भी क्या होता है जी, तीन ऑप्शन होते हैं और आप उसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक होता है चेक बॉक्स, ये दोनों प्रिंटेड फॉर्म में आपको दिखते हैं इस तरह। तो चेक बॉक्स में क्या होता है कि जी आपके पास 3 या 4 या 10-12 ऑप्शन होते हैं और आप उसमें से एक या एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रेडियो बटन में सिर्फ एक और चेक बॉक्स में एक से ज़्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो इन दोनों का मैं यूज़ केस आपको बताता चलूँ लगे आता हूँ कि जी आपने अगर कोई बंदा गाड़ी ख़रीद रहा है, गाड़ी ख़रीदने के लिए वो ऑनलाइन फॉर्म भर रहा है कि जी मुझे, तो वो गाड़ी का एक कलर चूज़ कर सकता है, दो नहीं कर सकता, ठीक है, या तो रेड चूज़ करेगा या तो ब्लैक या तो वाइट, जो भी अवेलेबल कलर्स हैं कोई एक, या कोई फ़ोन ले रहा है तो फ़ोन में 3-4 कलर आमतौर पर आते हैं तो वो कोई एक कलर चूज़ कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं कर सकता वो। ऑन अदर एंड जैसे चेक बॉक्स है, इसमें एक से ज़्यादा सिलेक्शन जो है, मिसाल के तौर पर मैं कोई फूल ऑर्डर कर रहा हूँ ऑनलाइन, आजकल वो आ गए हैं यहाँ पे भी हमारे ना शश के,
किसी वो फूल की दुकान की वेबसाइट पे आप ऑर्डर करते हैं और जिसको भेजना होता है उसका एड्रेस लगा देते हैं, तो वो उसी को भेज देता है कार्ड वार्ड लगा के ना, फूल लगा के। तो ये गोरों में होता था, उनके पास टाइम नहीं होता एक दूसरे के पास विज़िट करने का। हमें तो वसूलन ये चाहिए कि हम घर चले जाएँ, विज़िट कर लें। अल्लाह के नबी की सुन्नत थी, अल्लाह के नबी घर जाके विज़िट करते थे और लोग घर आते थे। तो वो थोड़ा उसको कायम रखें जब तक टाइम है। तो अगर किसी के पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो उसके लिए सर्विस ही इन्होंने निकाली हुई। तो अब उसमें मुझसे वो फूल का कलर पूछ रहा है अगर कि जी आप ना कौन कौन से कलर के फूल आपको चाहिए, तो आपने मौके की मुनासबत से आपने कहा थोड़े रेड इसमें लगा दो, थोड़े वाइट लगा दो। तो दो कलर मैंने चूज़ किए, तो दो कलर के फूल उसने आगे कर देने। या उसने ये पूछा हुआ है कि जी कौन कौन से फूल आपने ऐड करना है, चार पांच उन्होंने चेक बॉक्स लगाया हुआ है। मैंने कहा जी अच्छा इसमें गुलाब भी ऐड कर दो, इसमें थोड़े वो गेंदे ऐड कर दो, जो भी मुझे पसंद है या मौके की मुनासबत से जो भी मुनासिब फूल है। तो उस पर मैंने चेक लगा दिया दो या तीन और मैंने आगे कर दिया। ठीक है जी, तो ये रेडियो बटन में और चेक बॉक्स में ये डिफरेंस है। दोनों में चॉइस कर रहा होता है बंदा, दोनों में सिलेक्शन कर रहा होता है, लेकिन दोनों का यूज़ केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, रेडियो बटन जो है वो नाम इसका जो पड़ा है ना, वो इसी वजह से पड़ा है। जो एक रेडियो, अगर किसी ने पुराने ज़माने वाला वो नॉब वाला घुमाते हैं ना, तो एक फ्रीक्वेंसी होती है, या जो वो वॉकी टॉकी भी होता है वो भी रेडियो होता है काइंड ऑफ, तो उसमें भी एक वक्त में एक फ्रीक्वेंसी होती है। अनटिल एंड अनलेस के कोई बहुत ही एडवांस हो वो बड़ा सिस्टम, तो वो चार पाँच पे एक साथ ही ट्यून हो जाए, वो एक मतलब अभी जदीद ज़माने के एक्सेप्शनल केसेस हैं। लेकिन आम तौर पर जो रेडियो होता है वो एक वक्त में एक चैनल पर ट्यून होता है। तो ये उस मुनासबत से इसका नाम इन्होंने ना रेडियो बटन रख दिया। तीसरी चीज़ है जी ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन, वैसे तो मैंने इतनी बातें बता दी, लेकिन मेरा ख्याल है आपको ये इतनी बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि आप लोग भी डेली बेसिस पे इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं और डेली बेसिस पे आप सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर भी इस्तेमाल हो रहा होता है आपके पास, तो ये चीज़ें मोस्टली आपको पहले से पता है, ये जस्ट रियलाइजेशन की बात है। तो कौन मुझे बताएगा, ताकि ना क्लास टू भी हो जाए सिर्फ मैं ना बोलूँ, कौन मुझे बताएगा कि ड्रॉप डाउन का यूज़ केस क्या है? ये तो रेडियो बटन और चेक बॉक्स तो हमें समझ आ गया। नहीं, मल्टी सिलेक्शन के लिए चेक बॉक्स तो है ना, मिसाल के तौर पे बंदा फ़ोन ख़रीद रहा है, ड्रॉप डाउन लगा हुआ है कि चार कलर हैं, चार ऑप्शन हैं, कोई एक सेलेक्ट कर लिया, तो रेडियो तो आजकल हम जैसे किसी भी मोबाइल फ़ोन या नंबर्स की वेबसाइट पे जाएँ तो हमें देता है कि ये फ़ोन का ये नंबर है 0300 0345। नहीं, वो तो सही है, वो तो सही है। नहीं, मगर देखें, अब जैसे दोस्त ने कहा बिल्कुल सही बात की है, मैं वही पुरानी मिसाल कि जी मोबाइल ख़रीद रहे हैं, अब चार कलर अवेलेबल हैं, तो ड्रॉप डाउन एक लगा हुआ है। अब उसमें से ड्रॉप डाउन खोलेंगे, चार कलर आ रहे हैं, कोई एक आपने सेलेक्ट कर लिया, एक से ज़्यादा तो नहीं सेलेक्ट होता ड्रॉप डाउन में, एक ही सेलेक्ट होता है। तो ये रेडियो बटन में और इसमें तो कोई डिफरेंस ना हुआ। अच्छा, तो मतलब ऑप्शन इसमें ज़्यादा आ जाते हैं मोर और लेस। आप दोनों ने एक ही बात की है कि जी वो ड्रॉप डाउन के अंदर स्पेस को बचाने के लिए हम ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल करते हैं। कितने लोग और इनसे एग्री करेंगे? आप भी एग्री करेंगे? नहीं तो वो नहीं, तो आपने भी दोस्त ने भी मोर और लेस आपने भी सेम बात की, इन्होंने ये बात की कि जी वो रेडियो बटन में क्या होता है कि ऑप्शन सामने नज़र आ रहे होते हैं, जबकि ड्रॉप डाउन में क्या होता है, आप उसको खोलते हैं तो वो स्क्रॉलेबल एक बार खुल जाता है। तो बिल्कुल सही आप दोनों सब लोगों ने बात की, ये जो ड्रॉप डाउन का चक्कर है ये असल में स्पेस को बचाने का चक्कर है। क्यों?
स्पेस को बचाने का चक्कर इस वजह से है कि देखें तीन ऑप्शन है ना रेडियो बटन में, तो ये तो चलें जी बहुत अच्छा लग रहा है कि जी तीन ऑप्शन है, तो एक ही ग्लिम्प्स में मुझे तीनों ऑप्शन दिख भी जाते हैं, मैं सेलेक्ट भी कर लेता हूँ। लेकिन अब जी इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है ना, जैसे ड्रॉप डाउन बटन में एक चीज़ और भी है कि ये फिक्स है ना, यानी रेडियो बटन में ये फिक्स है ये तीन, लेकिन ड्रॉप डाउन में हमारे पास एक ऑप्शन और आता है कि हम इसको मजीद कैटेगराइज कर सकते हैं, एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन की तरफ, दूसरे ऑप्शन से तीसरे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। नहीं वो इसमें भी हो जाता है रेडियो बटन में भी ना, वो तीन ऑप्शन के बाद चौथा अदर लगाते हैं, अदर के साथ वो एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं, वो इसमें भी जाता है और ड्रॉप डाउन में भी होता है। सही इन्होंने कहा कि वो लास्ट में अदर का एक हम ऑप्शन रखते हैं, साथ में एक टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ होता है, वो दोनों में हो जाता है। लेकिन असल बात जो है, जो अभी तक डिफरेंस समझ आया है कि वो अब अच्छा मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। देखें अभी तो ये तीन ऑप्शन है ना, रेडियो बटन एक ही ग्लिम्प्स में दिख रहा है और सामने मुझे पता चल रहा है कि तीनों ऑप्शन हैं और मैंने कोई एक सेलेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे अगर कंट्री की सिलेक्शन हो, कंट्री तो 200 से भी ज़्यादा है ना, तो अब अगर कंट्री की सिलेक्शन में मैं रेडियो बटन का इस्तेमाल करूँगा तो वो आधा पेज मेरा वो कंट्री के नामों से भर जाएगा और मैं वो एक ग्लिम्प्स में मुझे क्या दिखेगा, वो कुछ भी दिखेगा नहीं, सही है, तो वो मज़ा नहीं आएगा ना। मतलब जो रेडियो बटन का जो बेनिफिट है ना कि एक ही ग्लिम्प्स में तीन ऑप्शन मुझे दिख जाते हैं, वो बेनिफिट ख़त्म हो जाएगा, स्पेस बहुत ज़्यादा वो ऑक्यूपाई कर लेगा। ऑन अदर एंड अगर हम ड्रॉप डाउन लगाते हैं तो ड्रॉप डाउन में उस कंट्री के नेम को सॉर्टेड अगर मैंने करके लिख दिया तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है, बंदा डायरेक्ट पी पे जाता है और वहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता है, तो ये चक्कर है। इसी तरह और भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे मौके आते हैं जिसमें सिलेक्शन की जो तादाद है ना वो बहुत ज़्यादा होती है और उसमें से एक ही सेलेक्ट करना होता है मुझे, तो उस केस में ड्रॉप डाउन इज़ अ बेटर ऑप्शन, रेडियो बटन को हम फिर छोड़ देते हैं। रेडियो बटन के अंदर ना चार ऑप्शन, पाँच ऑप्शन, छः तक भी चल जाता है, लेकिन उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन की तरफ मूव कर जाते हैं अगर पाँच छः से ज़्यादा ऑप्शन हो तो। ठीक है, ये यूज़र एक्सपीरियंस की भी बात है ये। अच्छा, तो ये मेकिंग चॉइसेस हमने देख लिया, टेक्स्ट को लेने के लिए कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं वो हमने देख लिए। अच्छा, और अब सबमिट का बटन हो सकता है। सबमिट के बटन में जी एक तो आप जो नॉर्मली सबमिट करते हैं बटन कि जी फॉर्म भर लिया और सबमिट किया तो वो लोडिंग लेता है और वो फॉर्म पहुँच जाता है सर्वर पर, तो एक तो वो वाली चीज़ हो गई। उसी बटन का एक वेरिएंट जो है वो इमेज बटन भी हो सकता है कि जी वो अभी तो इन्होंने दोनों बटन एक जैसे ही लग रहे हैं, मतलब दोनों ही बटन जैसा दिख रहे हैं, लेकिन इमेज बटन का मतलब ये है कि कोई भी इमेज हो सकती है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, कोई फूल की कोई वेबसाइट है तो उसके सबमिट का बटन फूल बना हुआ हो, उस पर सबमिट लिखा हुआ और वो जगमग कर रहा हो, कुछ इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो इमेज को भी एज अ बटन हम ट्रीट कर सकते हैं फॉर्म के आखिर में, एज अ सबमिट बटन। ठीक है, उसके अलावा अपलोड फाइल करने के लिए फॉर्म कंट्रोल होता है जिसमें क्या कहते हैं, ब्राउज़ का एक बटन आ रहा होता है, तो उसको बटन को क्लिक करते हैं तो वो चीज़ सिस्टम से वो फाइलें सेलेक्ट करने वाला जो ऑप्शन है वो सारा खुल जाता है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंटली खुलता है वो, तो ये कुछ फॉर्म कंट्रोल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आप नोट करें, इन्होंने ना वो बात जिक्र नहीं की है कि जी अगर टेक्स्ट इनपुट लेते हुए अगर मैंने लिमिट करना है 20 कैरेक्टर्स पे लिमिट करना है मैंने फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, या मुझे अगर फ़ोन नंबर इनपुट लेना है मुझे कैरेक्टर को लिमिट करना है कि जी कम ना हो, तो उस तरह का कोई फॉर्म कंट्रोल यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ है। जो हम देखते हैं कि पेपर में वो वाले फॉर्म कंट्रोल मौजूद हैं लेकिन यहाँ पे उसका जिक्र नहीं हुआ है, तो वो किस तरह से होता है वो अभी आगे डिस्कस होगा। अच्छा, तो उससे पहले यहाँ पे ये बात हो रही है कि जी हाउ फॉर्म वर्क्स, जब एक फॉर्म को हम सबमिट करते हैं तो होता क्या है, पीछे क्या कहानी चल रही होती है। तो इन्होंने इसका यूज़र स्टोरी एक बताई है कि जी यूज़र फिल अ फॉर्म एंड देन प्रेस द सबमिट बटन। बंदे ने भाई एक अपना यूज़र नेम लिखा और एक सिलेक्शन की है इसने, ये कोई वोटिंग चल रही है, कोई लक्स स्टाइल अवार्ड टाइप की कोई चीज़ है जिसमें वो कंपटीशन है, तो वोटिंग हो रही है कि जी किसको जितवाना है। तो बंदे ने अपना नाम लिखा है यहाँ पे और बंदे ने अपना वोट सेलेक्ट किया और सबमिट का बटन दबा दिया। अच्छा, द नेम ऑफ ईच फॉर्म कंट्रोल इज सेंट टू द सर्वर अलॉन्ग विद द वैल्यूज ऑफ एंटर सेलेक्टेड। अब किस खाने में क्या चीज़ सेलेक्ट की है बंदे ने, वो पूरी डिटेल उठ के चली जाती है सर्वर पे। अच्छा, सर्वर उस फॉर्म को प्रोसेस करता है। ठीक है, सर्वर उस फॉर्म को प्रोसेस करता है यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज PHP, C#, VB.NET और जावा। इट मे ऑल्सो बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। अब इस डेटा को सर्वर पे ना प्रोसेस किया जाता है, जो भी चीज़ इस डेटा के साथ करनी है।
अच्छा वो प्रोसेस क्या हो सकता है? वो प्रोसेस ये होगा कि जी उस डेटा को चेक करेगा कि वो गलत डेटा तो नहीं आ गया, ठीक है, ये एक प्रोसेस हो सकता है। उसको डेटाबेस में स्टोर कर सकता है, ठीक है, उसको किसी दूसरे सर्वर पर भेज देगा वो, ठीक है, या जो डेटा है उसके बिहाफ पे कुछ ढूंढेगा डेटाबेस से वो रिटर्न। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो जो ये प्रोसेस की बात कर रहा है कि जी वो उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए प्रोसेस करेगा। अच्छा, हम जो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे वो हम करेंगे जावास्क्रिप्ट, नॉट जेएस वाली, ठीक है। एक जावास्क्रिप्ट नॉर्मल होती है जो फ्रंट एंड पे चलती है, सर्वर पे चलने वाली जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो जो हम इंशाल्लाह सर्वर बनाएंगे वो हम PHP C# VB.NET का सर्वर नहीं बनाएंगे, हम नॉट जेएस का सर्वर बनाएंगे जो कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, ठीक है। अच्छा, और हम डेटाबेस जो उसमें पढ़ेंगे ना, इट मे ऑल्सो स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन डेटाबेस, जो इसने बात की है, हम डेटाबेस पढ़ेंगे इंशाल्लाह MongoDB। और ये प्रोसेस करने के बाद सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है विद अ मैसेज, और वो मैसेज इन्होंने स्क्रीन पर यहाँ पे दिखा दिया होगा, ठीक है। तो ये एक टिपिकल फ्लो होता है किसी भी फॉर्म को जब हम सबमिट करते हैं। तो जैसे गूगल के फॉर्म के केस में हम ये देखें कि जी हम लिखते हैं अपना सर्च की टर्म, लिखते हैं सर्च की टर्म, लिख के हम एंटर दबा देते हैं या सबमिट का बटन पे जाके क्लिक कर देते हैं, रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे उठ के, सर्वर से वो क्या करता है उस टर्म के अगेंस्ट जो भी कुछ उसके पास होता है वो पूरा का पूरा उठा के मुझे वापस भेज देता है, वो मेरी स्क्रीन पे आ जाता है। जी सर, ये सेम लाइक फीडबैक जिस तरीके से मांगते हैं अक्सर हम किसी भी वेबसाइट पे या व्हाट्सएप पे अक्सर हम कॉल करते हैं तो वो फीडबैक मांगते हैं, या कभी हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेते हैं तो नीचे कुछ लिखा हुआ आता है दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, उसमें वो फीडबैक मांगते हैं। तो उसके जब हम रिव्यूज देते हैं उसको तो वो फीडबैक देते हैं थैंक यू फॉर। हाँ, वो भी एक फॉर्म होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। सम टाइम सोशल मीडिया या यूट्यूब या कोई ऐप यूज़ करते हुए रिव्यू का एक छोटा सा फॉर्म खुल जाता है जिसमें स्टार आ रहा होता है कि जी इतने स्टार दे दें, या आप वो हैप्पी और सैड का वो फेस आ रहा होता है कि जी आप, तो वो भी एक फॉर्म है। ऑब्वियसली जब उस पर आप क्लिक करते हैं उस फॉर्म पर, उस पर आप डेटा देते हैं तो वो भी सर्वर पर जाता है, वो कहीं ना कहीं उसको स्टोर करते हैं, बाद में जाहिर है उसको डेटा बेस में स्टोर करके ना उसको प्रोसेस करते होंगे जी कि कितने परसेंट यूज़र इस फीचर से खुश हैं, और उस बिहाफ पे वो कोई ना कोई डिसीजन लेते होंगे ऑब्वियसली। तो ये जो जैसा कि हमने वो डिस्कस किया था कि वेब 2.0 में और 1.0 में यही डिफरेंस है कि वेब 2.0 में बंदा भी कुछ बोल सकता है, भाई ऐप इस्तेमाल कर रहा है, खुश है ना खुश है कुछ बोल सकता है, वो साइन अप कर सकता है, कमेंट कर सकता है जाके किसी पोस्ट पे, लाइक कर सकता है, इवन दो कि फेसबुक और यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म है ये टोटली चलते ही यूज़र के डेटा पे हैं। यूट्यूब वाले खुद कोई कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उन्होंने जस्ट प्लेटफॉर्म बना के छोड़ दिया है, वीडियो अपलोड करने वाले भी आप हैं, उस वीडियो को देखने वाले भी आप हैं, उस वीडियो पे कमेंट करने वाले भी आप हैं, ठीक है। ऑन अदर एंड अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन टीवी बेचने की दुकान है, उसने एक वेबसाइट बना के रखी है, जस्ट वो उस पर आप देखते हैं जाके, आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ प्रेस नहीं कर सकते, दैट इज़ 1.0। कुछ वेबसाइट जो हाइब्रिड होती है कि जी उसमें वो खुद भी कुछ कंटेंट जनरेट करते हैं, कुछ आप भी कर रहे होते हैं, तो हाइब्रिड भी इस तरह की वेबसाइट होती हैं। लेकिन ज़्यादा जो पॉपुलर है ना इस वक्त इंटरनेट जो इतना पॉपुलर हुआ है, ये इस वजह से हुआ है कि यूज़र जनरेटेड डेटा है। ट्विटर आप देखें पूरा का पूरा यूज़र जनरेटेड है, ट्विटर वाले खुद तो नहीं कोई डेटा डालते। स्टैक ओवरफ्लो अभी हम ये देखेंगे प्लेटफॉर्म्स पे क्वेश्चन आंसर करते हैं डेवलपर्स। गिटहब आप देखें, गिटहब में जितनी भी रिपॉजिटरीज बनी हुई हैं आज तक जो बनी है सारी यूज़र जनरेटेड रिपॉजिटरीज हैं, तो वो खुद नहीं कुछ बनाते, उन्होंने जस्ट प्लेटफॉर्म बनाया। तो ये यूज़र जनरेटेड डेटा जो है ना, बिकॉज वी एज अ ह्यूमन, ये हमारी पीछे की साइंस है कि एज अ ह्यूमन वी आर स्टोरी टेलर्स, वी लव टू टेल आवर स्टोरी एंड वी लव टू लिसन अदर्स स्टोरी। हम एक दूसरे की स्टोरियाँ बोलना सुनना ही हमें बड़ा पसंद है, एज अ ह्यूमन ये हमारी नेचर में शामिल है, ये साइंस है हमारी। एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स उनमें ये क्वालिटी नहीं है, ये सिर्फ हमारे अंदर है। तो हम हमारे आप आबाओ अजदाद को देखें, वो उन्होंने गारों में ना खोद के भी अपनी स्टोरी लिखी कि जी हमारे आने वाले बाद जो बंदे हैं ना वो इसको पढ़ें स्टोरी को, उनको पता होगा यहाँ पे कोई बंदा गुजरा है, यहाँ पे उनको पता होगा यहाँ कोई था तुर्रम खान जो गुजरा है यहाँ से, तो वो अपनी स्टोरी उन्होंने लिखी और आज देखें हम उसको एक्सप्लोर करते हैं और हम कितने इंटरेस्टेड हैं उसको पढ़ने में, उस पर लाखों डॉलर उसके ऊपर खर्च करते हैं यार पूरी दुनिया में लोग ना, इवन हमारे पास हम तो इतना नहीं, मतलब वी डोंट केयर अ लॉट, बट दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत केयर करते हैं। तो बड़ी वैल्यू है, ये ह्यूमन वैल्यूज़ हैं जो हम एक दूसरे को देते हैं। अभी भी आप देखें ये जितने भी जो जो आप देखें जो एंटरटेनमेंट की जितने भी इंडस्ट्री है, व्हाट इज़ दैट, यूज़र स्टोरी है,
कोई ड्रामा आप देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, उसमें एक बंदा होता है, उसकी स्टोरी है, वो फिक्शनल होती है ज़्यादातर, रियल तो कम होती है, बहुत फिक्शनल होती है, हमें पता होता है कि ये फिक्शनल है, सम वन मेड दिस स्टोरी अप, लेकिन हम फिर भी इंटरेस्टेड होते हैं उसमें, क्योंकि किसी नॉट बिकॉज कि यार वो हीरो क्या कर रहा है और उस हीरो ने कितने बड़े तीर मार लिया, बट बिहाइंड दैट हीरो किसी बंदे की सोच है, तो वो उस हम उस बंदे की सोच को जानना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप पॉडकास्ट देखें जितने भी, आप ये जो सॉन्ग्स वगैरह देखें, आप ये सारा ये किसी बंदे की स्टोरी है। इवन दो न्यूज़ चैनल जो है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो नेशनल ज्योग्राफी है, जो जियो न्यूज़ है, ARY है, ऑल ऑफ दीज चैनल्स आर टेलिंग स्टोरीज, किसी की स्टोरी सुना रहे हैं और हम उसको सुन रहे हैं, तो वी आर इंटरेस्टेड, वी आर स्टोरी टेलर्स बाई नेचर। तो ये सारी जो चक्कर है ना, ये स्टोरी टेलिंग का चक्कर है सारा। अच्छा जी, इवन दो गेम्स में भी ये होता है। अब पहले, आज से कुछ अरसे पहले तक जो गेम्स होते थे वो ऐसे होते थे कि जी वो कंप्यूटर सामने से प्री प्रोग्राम्ड होता था, और वो मुझे अच्छी तरह याद है, छोटे छोटे थे हम तो वो मारियो ब्रॉस गेम खेलते, वो मारियो पता नहीं क्या नाम होता था, नहीं मारियो ब्रॉस नहीं, वो एक और होता था, वो छोटा सा, वो जो वो पोल होता था उसके अंदर चला जाता था फिर बाहर निकलता था, क्या नाम, सुपर मारियो, यस सुपर मारियो, तो वो हम खेलते थे। अब उसमें ये होता था कि वो हर दफ़ा ना वो एक ही सीक्वेंस में चीज़ें चलती थी, तो वो थोड़े दिनों में क्या होता था, हमें याद हो जाता था कि ये जी इतने थोड़ी देर में ना यहाँ से ये आता है, और वो ग्लिचेस वगैरह भी उसके याद हो जाते थे सारे कि जी वो ये वाले ग्लिच हैं। तो अब आप देखें वो वाले गेम ख़त्म हो गए, वहाँ वो नहीं है बात है। अब एक प्लेयर को सामने चाहिए, एक ह्यूमन प्लेयर। आप देखें ये जो नए वाले गेम है, ये पबजी एक है, प्लेयर बैटल फील्ड पता नहीं क्या नाम है उसका, उसमें ये होता है सामने रियल प्लेयर होता है, वो दोनों इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं और वो अनप्रेडिक्टेबल होता है वो, तो वो आप देखें कैसे उसने, आप उसका रिकॉर्ड उसने बना दिया जितने भी, और अब जितने भी गेम्स हैं मजीद, ये फोर्टनाइट वगैरह और ये जो GTA 5 वगैरह, इन सब में अब ये ट्रेंड हो गया है कि अंदर जब आप खेलने जाते हैं तो वो तमाम का तमाम अंदर रियल यूज़र होता है, वो कंप्यूटर वाले यूज़र नहीं होते। तो क्या कहते हैं उसको, आप देखें लोग बड़ा पसंद करते हैं, तो ये यूज़र जनरेटेड डेटा जो है ना, ये वेब 2.0 का जो इतना बड़ा बूम था, ये असल चक्कर ये था कि वी आर स्टोरी टेलर्स, वी लव टू टेल आर स्टोरी एंड वी लव टू लिसन अदर्स स्टोरी। अच्छा, तो ये जी हम उसकी यहाँ से शुरुआत हो रही है फॉर्म बनने की। फॉर्म की जरा हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जी बहुत ही आसान सा स्ट्रक्चर है इसका। फॉर्म का टैग ओपन होगा, ये फॉर्म का टैग ना, ये इतना बड़ा सारा फॉर्म का टैग लगा होगा, ठीक है, और फॉर्म का टैग यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और उसके दरमियान में ना फॉर्म कंट्रोल्स होंगे तमाम के तमाम। अच्छा, फॉर्म कंट्रोल के साथ साथ कोई पैराग्राफ भी हो सकता है जो उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा। ज़ाहिर है फॉर्म में भी यही होता है कि जी वो सम टाइम वो लंबा पैराग्राफ लिखा होता है, उसके नीचे वो खाना बना होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन होती है सारी कि भाई फॉर्म को इस तरह फिल करना है, तो कोई पैराग्राफ हो सकता है उसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर ना आप देखें एक एट्रीब्यूट लगा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एक्शन, और इस एक्शन के एट्रीब्यूट के साथ ना एक पूरा का पूरा URL यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको जूम करके दिखा पाऊँ तो ये जो है ना एक्शन का एट्रीब्यूट है, और ये पूरा एक URL इन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है। अच्छा, ये तरीका ना अब हम फॉलो नहीं करते हैं, जो नया वाला जो 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 हम सिंगल पेज ऐप्स बनाते हैं उसमें हम ये वाला तरीका फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। वो हम क्या तरीका फॉलो करते हैं, इंशाल्लाह जब हम जावास्क्रिप्ट में पहुंचेंगे और जब हम अपने फ्रंट एंड को इंटरनेट से कम्युनिकेट करवाएंगे, ठीक है, तो फिर हम ये देखेंगे कि जी हम, अच्छा इसका एक्शन का चक्कर क्या होता है कि जी सबमिट का जब बटन दबाएंगे ना आप, तो जो सर्वर, जिस सर्वर पे रिक्वेस्ट जानी है, ये उस सर्वर का URL है, ठीक है। हम करते अभी भी वही काम है, लेकिन तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो ये एक्शन का जो हम एट्रीब्यूट है ना, ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, साथ में इन्होंने मेथड एक लगाया हुआ है कि जी ये जो एक्शन की रिक्वेस्ट जाएगी ना, ये किस मेथड से जाएगी। चार मेथड होते हैं बेसिकली जो इस्तेमाल होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट, ठीक है। ये एक्शन भी इंशाल्लाह जब हम सर्वर पढ़ेंगे तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये चारों मेथड क्यों होते हैं और कब कौन से मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों एट्रीब्यूट फ़िलहाल हम
माइनस रखेंगे अपने कोड के अंदर, ठीक है। तो ये जो बात जब आप लिखेंगे ना, तो कुछ इस तरह से स्क्रीन पर ये डिस्प्ले होके आ जाएगा। और ये पहला फॉर्म बन गया है जिसके अंदर फ़िलहाल कोई फॉर्म कंट्रोल मौजूद नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्म अभी बन गया है यहाँ। अच्छा, इसके साथ इन्होंने ये बहुत सारा ये मज़मून लिखा है, इसको कोशिश कीजिएगा कि पढ़ लें आप, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो इसके अंदर इन्होंने मेंशन की भी है। अब जी आते हैं हम एक एक करके इनपुट्स लेना शुरू करते हैं, हम फॉर्म कंट्रोल को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो ये पूरा का पूरा फॉर्म मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और ला के जी यहाँ पे एक मैं फोल्डर बना देता हूँ, 5.forms and index.html। ठीक है, मैंने कहा H1 और ये मैंने एक अदद फॉर्म बना दिया। एक्शन का जो URL है उसको मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। तो जी अब हमारे पास क्या बच गया, फॉर्म का टैग ओपन और क्लोज। ये फॉर्म का टैग यहाँ से ओपन है, ये फॉर्म का टैग क्लोज है। उसके बाद हमारे पास एक अदद पैराग्राफ है, ठीक है। पैराग्राफ को इन्होंने शुरू किया है, एक यूज़र नेम इन्होंने लिखा है। उसके बाद इनपुट करके हमारे पास एक चीज़ मौजूद है जो कि सिंगल लाइन इनपुट के लिए हमने देखा था इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इस इनपुट के टैग की वजह से क्या हो जाएगा, स्क्रीन पे मेरे पास एक इनपुट फील्ड बनी हुई आ जाएगी, ठीक है। उसको इनपुट फील्ड हम कहते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास एक इनपुट फील्ड बनी हुई आ जाएगी, ठीक है। ये इनपुट के टैग की वजह से ये हो रहा है और ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है जिसके अंदर ये इनपुट फील्ड मौजूद है। अच्छा, अब ज़रा इस इनपुट फील्ड के अंदर जो एट्रीब्यूट्स लगे हुए हैं उन पर ज़रा हम गौर कर लेते हैं। सबसे पहले तो टाइप इसकी क्या है, टेक्स्ट है। इसका मतलब है कि इनपुट फील्ड में टाइप अलग भी हो सकती है, टाइप नंबर भी हो सकती है, टाइप ईमेल भी हो सकती है, टाइप फ़ोन नंबर भी हो सकता है। उसको हम एक्सप्लोर करते हैं एक एक करके अभी कि ये टाइप और कौन कौन सी हो सकती हैं। इमेज इनपुट के लिए वो फाइल अपलोड वाला इस्तेमाल होता है, हाँ। इमेज इनपुट लेनी होती है जब, तो हम वो ब्राउज का जो आ रहा था ना फाइल अपलोड वाला, वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक अदद है इसका नेम, कि जी वो ज़ाहिर है जब सर्वर पे यहाँ से डिटेल जब भेजते हैं हम, तो ये हर फील्ड का एक नेम होता है, एक वैल्यू होती है। तो ये वो नेम आ गया, ठीक है। फिलहाल हम इसको हटा भी दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम सर्वर पे कुछ भी नहीं भेज रहे हैं, अभी हम सिर्फ स्टेटिक काम कर रहे हैं। तो उसको मैंने फ़िलहाल के लिए हटा दिया। साइज़ इसका इन्होंने मैंशन किया हुआ है यहाँ पर 15। अगर इस साइज़ को मैं 20 कर दूँ या 40 कर दूँ इस साइज़ को, तो आप देखें इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो फॉर्म का साइज़ है ये 40 कैरेक्टर जितना साइज़ यहाँ पे बन के आ गया है। अगर मैं इसको 4 कर दूँ तो ये 4 कैरेक्टर जितना फील्ड बना देगा। तो मैंने लिखा A, B, C और D, 4 कैरेक्टर जितना। अब मैं E लिखूँगा तो ये वो आगे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जी इसका साइज़ क्या रखना है जी, 4 कैरेक्टर रखना है या 20 रखना है? तो मैंने कहा जी 15 रख दो आप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने इसको लिमिट नहीं किया है कि जी वो 4 कैरेक्टर से ज़्यादा लिखने नहीं दो, ये नहीं इन्होंने किया। इन्होंने कहा साइज़ यहाँ पर बताना है आपने कितना, ये 15 कैरेक्टर बताना है। अब ये 15 कैरेक्टर अगर मेरे पूरे हो जाते हैं तो ये मुझे बाद में भी लिखने देगा, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट है मैक्स लेंथ, कि जी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी। तो मैक्स लेंथ में अगर मैंने कर दिया ना 5, तो अब ये मुझे 5 कैरेक्टर से ज़्यादा लिखने नहीं देगा, ठीक है। ये मैंने 5 कैरेक्टर लिखा, दैट्स इट। अब मैं बटन दबाऊँगा कुछ भी नहीं होगा। तो वो सारे काम जो एक प्रिंटेड फॉर्म में बॉक्स वगैरह बना के जो अचीव किए जाते थे ना, इसमें इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को कि क्या चक्कर हो रहा है। फॉर्म का टैग ओपन होगा, फॉर्म का टैग क्लोज होगा, और ये इनपुट जितने भी हैं यानी फॉर्म कंट्रोल जितने भी हैं उनको हम सजाएंगे, असेंबल करेंगे इन फॉर्म के जो ओपनिंग क्लोजिंग टैग के दरमियान में, जैसे हमारा दिल करेगा, इन द पैराग्राफ, वैसे बगैर पैराग्राफ के। मतलब इसको अगर मैं पैराग्राफ हटा दूं तब भी ये मुझे दिखता रहेगा, फॉर्म कंट्रोल इनपुट है दिखता रहेगा, ऐसे दिखेगा मुझे ये, ठीक है। तो सम हाउ हमने उसको सजाना है जैसे हमारा दिल करता है, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है, उस तरह से हमने क्या करना है, फॉर्म के जो इनपुट्स हैं, जो फॉर्म कंट्रोल्स हैं, उनको हमने सजाना है इन ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में, ठीक है जी। अच्छा, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, पहला फॉर्म कंट्रोल हमने देखा है, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। अब हमने अगला काम क्या करना है, इस इनपुट के ना हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ज़रा चलते हैं, जो MDN के नाम, क्योंकि बुक में जाहिर है सारी चीज़ें इन्होंने कवर नहीं की हैं। मैंने कहा MDN HTML
इनपुट, ठीक है। और ये मुझे ना इसने इनपुट का ये डॉक्यूमेंट खोल गया, ऑफिशियल तो खैर नहीं है, ये मोज़िला वालों ने तरतीब दिया ये डॉक्यूमेंट, जो मोज़िला फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है उन लोगों ने ये तरतीब दिया है, और ऑफिशियल तो खैर ये नहीं है, वो W3C है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अजीब सी है, वो मैं कभी भी नहीं खोलने को कहता है स्टूडेंट्स को ना। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है ना मोज़िला वालों की, अच्छी खासी डिटेल्ड है ये भी, और इसमें बेनिफिट ये है, वही वेब 2.0 वाला हिसाब किताब के जी, वो बुक तो छप गई ना एक दफ़ा 2009 में छपी है ये बुक जो हम पढ़ रहे हैं, तो 2009 के बाद जो चेंजेस आई हैं वो ज़ाहिर है बुक में तो नहीं होगी, लेकिन ये अप टू डेट होगा। तो यहाँ पे इस वजह से भी ये खोलने का रीज़न है कि ये अप टू डेट होता है, ये अपडेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पहले का अपडेट हुआ हुआ होगा, है ना। 10 साल से तो ऐसा नहीं होगा कि 10 साल से उसको छोड़ा हुआ है। तो बुक में और ये ऑनलाइन जो मोज़िला वालों ने एक डॉक्यूमेंट तरतीब दिया है, तो मोज़िला वालों ने काइंड ऑफ ये बुक लिखी है पूरी। तो चलते हैं जी, हम नीचे देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बात की है। इनपुट की टाइप्स सबसे पहले ये डिस्कस कर रहा है कि जी इनपुट की टाइप जो है वो बटन भी हो सकता है, इनपुट की टाइप जो है वो चेकबॉक्स भी हो सकता है, इनपुट की टाइप कलर भी हो सकता है, ठीक है, इनपुट की टाइप डेट हो सकता है, इनपुट की टाइप ईमेल वगैरह, फाइल, हिडन, इमेज, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं इमेज की टाइप, ठीक है, रीसर्च, सर्च, सबमिट, टेलीफोन, टेक्स्ट, टाइम। अब देखें अगर मैं इस इनपुट की टाइप को कर दूँ टाइम, तो मुझे स्क्रीन पर ये क्या कर देगा, ये टाइम वाला इनपुट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, इसको ज़रा मैं जूम आउट कर दूँ, ये मैंने क्लिक किया, ये टाइम इनपुट आ गया। अच्छा, ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ आएगा, अगर मैं इसको एंड्रॉयड के फ़ोन में खोलूँगा तो एंड्रॉयड के फ़ोन में जो टाइम इनपुट होता है वो वाला आएगा, ठीक है, एंड्रॉयड के फ़ोन में टाइम इनपुट जो होता है वो, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, कुछ इस तरह का होता है टाइम इनपुट एंड्रॉयड के फ़ोन में, राइट, देखा है सब लोगों ने ये वाला। और जो आईफोन में यही चीज़ थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, वो कुछ इस तरह की होती है, चक्री सा बना हुआ आ जाता है, और आप जो है ना उसको ऐसे वो चक्री को चला के जो है ना 5:00 अभी बहुत ब्लर है वैसे ये इमेज, कोई बेटर इमेज ढूंढ लेते हैं, हाँ दिस इज़ मच बेटर इमेज। तो ये इन्होंने इस इमेज में तीनों तरह के इनपुट शो करवाए हुए हैं कि जी डेट इनपुट, और ये टाइम इनपुट, और ये भी एक तरह का दो टाइम इनपुट इसके अंदर इन्होंने दिखाया था। तो ये इस iOS में ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अच्छा, विंडोज़ में ये कैसे दिखेगा, क्योंकि मेरे पास जो मशीन है वो मैक मशीन है, तो मैक मशीन में तो ये इस तरह से दिख रहा है। अब ये ज़रा हम देख लेते हैं कि विंडोज़ में ये कैसा दिखेगा। अच्छा, पहले तो विंडोज़ में इस तरह का होता था, लेकिन अभी उन्होंने चेंज कर दिया। वेल, अभी इसमें वो नज़र नहीं आ रहा, विंडोज इस तरह का है, इस तरह की कुछ चीज़ खुलेगी। वेल, तो पॉइंट ये समझ आ गया कि जी ये टाइम इनपुट थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ होगा। अच्छा, अगर इसको मैं कर दूँ कलर इनपुट, टाइप इसकी मैं कलर कर दूँ, तो ये स्क्रीन पे मुझे इस तरह का कलर का इनपुट खोल के दिखा देगा। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा। अच्छा, अगर मैं इसको कर दूँ फाइल इनपुट, तो ये ब्राउज़ का बटन मुझे ये बना के दिखा देगा, ठीक है, चूज़ अ फाइल, क्लिक करूँगा मैं, मेरे पास ये फाइल सिस्टम जो है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ये खुल जाएगा। अब देखें, फाइल सिस्टम जो खुला है ये मैक वाला खुला है, अगर ये यही सेम वेबसाइट अगर विंडोज़ पे चलेगी तो विंडोज़ का जैसा फाइल सिस्टम होता है वैसा खुलेगा, अगर ये एंड्रॉयड पे सेम चीज़ खुलेगी तो एंड्रॉयड पे आपको पता है फाइल सिस्टम कैसा खुलता है, ठीक है, एंड्रॉयड का फाइल सिस्टम ज़रा हम देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से खुल रहा होता है फाइल सिस्टम हमारा एंड्रॉयड में, राइट, इसमें ये सिलेक्शन आ रही होती है और जो वो बैक एंड फोर्थ आप जा सकते हैं। थोड़ा सा अगर पुराना वाला एंड्रॉयड है उसमें शायद इस तरह से खुलता है, तो इस तरह से फाइल सिस्टम उसमें ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे शायद थोड़ा और पुराना इन्होंने दिखाया हुआ है फाइल सिस्टम, कुछ इस तरह से खुलता रहा है। अच्छा, और अगर हम इसमें विंडोज़ में अगर हम देखें फाइल सिस्टम, तो वो कुछ इस तरह से खुलता है फाइल सिस्टम उसमें विंडोज़ में, राइट।
वेल एग्जैक्टली वो वाली इमेज अभी मुझे नज़र नहीं आ रही है जो खुलती है. वेल कुछ इस तरह की चीज़ ही खुल रही होती है ना. फाइल जो एक्सप्लोरर है वही खुलता है, उसी में डायरेक्ट जो है ना सेव वेव करने का ऑप्शन आ रहा होता है. तो वेल ये फाइल इनपुट हो गया हमारे पास. अब ये इनपुट के ना ये अलग अलग सारी किस्में और ये अलग अलग जितनी भी किस्में यहाँ पे मेंशन हुई हुई है उसका यहाँ पे आउटपुट भी इन्होंने दिखाया हुआ है कि भाई कुछ इस तरह का खुलेगा और कुछ ऐसा होगा. अच्छा मिसाल के तौर पे अगर इसको मैं कर दूँ रेंज, इसकी अगर मैं टाइप कर दूँ रेंज तो ये क्या बन जाएगा, स्लाइडर बन जाएगा एक. ठीक है, इस तरह के इनपुट की ज़रूरत पड़ सकती है हमें वॉल्यूम वगैरह के लिए, कम ज़्यादा करना हो अगर मुझे, या मुझे ये अमाउंट, जैसे मैं कॉफ़ी ऑर्डर कर रहा हूँ तो अमाउंट ऑफ चॉकलेट के लिए मैं उसको ले सकता हूँ कि जी कितना चॉकलेट डालना है, थोड़ा कम कर दो या थोड़ा ज़्यादा कर दो. अब उसमें ये तो मिली लीटर तो मैं पूछूंगा नहीं ना कि कितने ml चॉकलेट डालना है, क्योंकि ये एक आम बंदे के लिए, शायद आम बंदा बोलेगा अच्छा यार इसको थोड़ा कम कर दो यार, नहीं पूरा चॉकलेट डालो फुल कर दो. तो इस तरह की चीज़ों के इनपुट के लिए हमारे पास काफ़ी बेनिफिशियल है. नंबर कर सकता हूँ इसको मैं, अगर इसको मैं इनपुट को नंबर कर दूंगा तो क्या होगा जी कि इस पे मैं नंबर ही टाइप कर पाऊँगा. ए बी सी डी लिखूँगा ये मुझे नहीं लिखने देगा, ए बी सी डी लिखने के लिए मुझे ये अलाउ नहीं करेगा. तो ये सारी डिफरेंट टाइप्स हमने देख ली हैं कि जी ये डिफरेंट टाइप जो है ना इनपुट की कौन कौन सी हो सकती है. अच्छा हर डिफरेंट टाइप के कुछ मज़ीद एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि हमने देखा था कि टेक्स्ट इनपुट ना, टेक्स्ट वाले पे चलते हैं ज़रा हम. ये हमारा जी टेक्स्ट इनपुट आ गया, इस पे मैं क्लिक करके अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट के साथ ना कौन कौन से मज़ीद एट्रीब्यूट्स मैं लगा सकता हूँ. मिसाल के तौर पे मैक्सिमम लेंथ, कितना लंबा टेक्स्ट अलाउ करूँ मैं. मिनिमम लेंथ कितना, मिनिमम कोई एक कैरेक्टर लिख दे. मैंने कहा नहीं जी मिनिमम कम से कम तीन कैरेक्टर होने चाहिए, तो मैं कहूँगा मिनिमम लेंथ 3. अब ये सबके साथ इन्होंने ये मज़मून लिखा हुआ है कि जी ये कौन सा जो है ना ये कौन सी ये चीज़ कर रहा होता है. पैटर्न इसका मैं बता सकता हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर ना, पैटर्न बता सकता हूँ कि जी अच्छा ये कैपिटल जो. अब ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक पूरी एक कहानी है, उसको अगर अलग से आपने पढ़ना हो तो ये छोटा सा ना यहाँ पे इन्होंने रेजिक्स का बताया हुआ है तो उसको पढ़ लीजिएगा अलग से. इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट के अंदर हम थोड़ा सा रेगुलर एक्सप्रेशन को मज़ीद भी एक्सप्लोर करेंगे कि ये क्या होता है. ठीक है, प्लेस होल्डर एक चीज़ होती है, प्लेस होल्डर हम लगा के देख लेते हैं ज़रा. इसको मैं वापस टेक्स्ट इनपुट करता हूँ और इसमें प्लेस होल्डर के अंदर ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी एंटर योर यूज़र नेम. सही है, तो अब ये प्लेस होल्डर देखें किस तरह से अपेयर होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है. जैसे ही मैं कोई वर्ड टाइप करूँगा ये गायब हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड प्लेस होल्डर. अब आप देखते जाएं यहाँ पे रीड ऑनली, रीड ऑनली कर दूंगा एडिट करना अलाउ नहीं करेगा उसको. फिर वो साइज़ हमने ये देख लिया है कि साइज़ उसको कितना बड़ा करके डिस्प्ले करना है, दैट इज़ कॉल्ड साइज़. स्पेल चेक इस पे ट्रू करना है फॉल्स करना है. अगर स्पेल चेक में ट्रू रखूँगा तो ये जितने भी हमारे जो जो एक्सटेंशंस वगैरह होते हैं वो इनको अलाउ कर देगा कि जी आप इसकी स्पेलिंग को आप चेक करें. ठीक है, तो ऑटो करेक्ट करके एक चीज़ है हमारे पास, इसको ऑन ऑफ. अच्छा इन्होंने इसको डाला है नॉन स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट कि ये HTML5 के स्टैंडर्ड में शामिल नहीं है, वैसे ही ब्राउज़र्स ने अपनी तरफ से किया हुआ है. तो इसका मतलब है ये ऑटो करेक्ट तमाम ब्राउज़र में काम नहीं करेगा. ठीक है जी, तो यहाँ पे इन्होंने ये बात ख़त्म कर दी और एक एक का अब नीचे वो कोड लिख लिख के दिखा रहा है कि जी वो किस तरह से होगा. अब मैं थोड़ा सा बैक आ जाता हूँ, बल्कि बैक नहीं, यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है. अच्छा तो ये तो हमने देख लिया टेक्स्ट, उसके अलावा टाइप हमारे पास है नंबर. अब नंबर की टाइप में कौन कौन से एट्रीब्यूट मज़ीद हो सकते हैं. नंबर की टाइप के अंदर जी मैक्स और मिन इसमें भी हो सकता है. मैंने एक नंबर मांगा है बंदे से, तो मैंने कहा कि जी आप क्या करोगे कि 100 से लेके 700 तक के दरमियान का एक नंबर दोगे आप. तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा मैक्सिमम 700, मिनिमम 300 के, 300 से 700 के दरमियान, या मिनिमम 100 जो भी. तो मिनिमम मैक्सिमम का इसमें भी अवेलेबल है. मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बंदे से पूछते हो कि जी आप अपनी एज बताएं, ठीक है, तो एज में ज़ाहिर है एक सर्टन रेंज में होती है एज बंदे की, उससे ज़्यादा कम तो नहीं होती. मिसाल के तौर पे कोई बंदा बोले यार मेरी एज -1 है, -1 तो नहीं हो सकती है ना. तो मैं इसमें मिनिमम में क्या लगाऊंगा, मिनिमम में लगाऊंगा मैं 1 और मैक्सिमम में लगाऊंगा मैं शायद
100 लगाऊंगा मैं, ठीक है। अगर मैं जैसे रिक्रूटमेंट हो रही है, आर्मी की रिक्रूटमेंट हो रही है, तो अब उसमें एज पूछी जा रही है, तो मिनिमम मैक्सिमम तो ज़ाहिर है लगेगा उसमें कि जी इतना आपका एज हो सकता है। मिसाल के तौर पे उसमें अगर 22 साल मैक्सिमम है कि जी 22 साल से आगे वाला बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, तो एज में 22 मैक्सिमम होगा, 22 से ऊपर वो करेगा होगा ही नहीं, तो इसका मतलब है वो है ही नहीं अलाउड। तो इस तरह की चीज़ें हमें करने की ज़रूरत पड़ सकती है नंबर इनपुट के साथ। प्लेस होल्डर इसमें भी लग जाता है, रीड ऑनली ये भी हो सकता है कि जी नंबर पहले से लिखा हुआ है। स्टेप क्या होता है कि जी जब मैं इसको नंबर करता हूँ ना, इसको मैं नंबर करके देखता हूँ, नंबर करते ही क्या होता है, ये देखें यहाँ पे छोटा सा ना ये बना हुआ आ जाता है। इसको मैं ऊपर करता हूँ तो ये एक एक करके ना, और नीचे करता हूँ तो एक एक करके कम होता है। तो ये एक दफ़ा क्लिक करने से ये कितना ऊपर या कितना नीचे जाए, मैं अगर तीन तीन करके ऊपर जाए तो ये स्टेप मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि ये कितने कितने स्टेप इसने लेने हैं, ठीक है जी। बस ये इसके एट्रीब्यूट यहाँ कम्प्लीट हो गए। इसी तरीके से अब आप देखेंगे कि जी फाइल इनपुट में, चलो डेट इनपुट में बल्कि देखते हैं, डेट इनपुट में मज़ीद कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें भी मिन मैक्स है डेट में कि जी आपसे पूछा गया है कि जी आप अपनी जो है ना तारीख पैदाइश लिखें डेट ऑफ बर्थ में, तो इसमें भी ज़ाहिर है मिनिमम मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्या होगा, आज की डेट, कि जी वो ऐसा ना करे कि वो फ्यूचर की डेट दे दे। डेट ऑफ बर्थ तो बैक डेट होती है हमेशा, तो आज की डेट मेरे ख्याल में शायद मैक्सिमम में रखूँगा, या शायद अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उसको कुछ और आगे पीछे करूँ मैं मज़ीद, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम इसमें हो सकता है बिल्कुल। कैसे देते हैं मिनिमम मैक्सिमम, नीचे इन्होंने लिखा हुआ है, स्टेप भी इसके अंदर मौजूद है कि जी वो एक दफ़ा मैं वो अगर व्हील घुमाऊँ या वो एक दफ़ा मैं क्लिक करूँ अब, तो वो कितने कितने ऊपर जाए, एक एक दिन करके ऊपर जाए या ज़्यादा चला जाए, ठीक है। ये इसके जी एट्रीब्यूट्स पूरे हो गए यहाँ पे। नीचे इन्होंने सबकी एग्जाम्पल लगाई हुई है एक एक करके ना कि जी वो कौन सा वाला कैसे कैसे चलेगा। ईमेल इनपुट में आ जाते हैं हम, ईमेल में भी मैक्स लेंथ हो सकता है कि जी आप कह रहे हैं कि जी 100 कैरेक्टर से ज़्यादा की आपकी ईमेल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैक्सिमम लेंथ उसके अंदर आप लगा सकते हैं, मिनिमम लेंथ लगा सकते हैं जी। किसी बंदे का भी ईमेल है कम से कम 4 कैरेक्टर को तो होगा, उससे कम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर किसी ने कहा a@abc.c, वो 5 कैरेक्टर या 4 कैरेक्टर से कम का नहीं होगा ईमेल। तो मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ की इसमें ज़रूरत पड़ सकती है, मौजूद है, लगाना चाहें बिल्कुल लगाएं, ना लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, मल्टीपल करके इसमें एक एट्रीब्यूट है, ये मुझे नहीं पता इस बारे में, इसको पढ़ लीजिएगा कि ये क्या चक्कर है। अच्छा, ये कह रहा है कि इस एक ही इनपुट में मल्टीपल ईमेल आप इनपुट ले सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड, कॉमा कॉमा डाल के आप 3-4 ईमेल लिखते हैं, तो मल्टीपल का एक इसके अंदर ऑप्शन है, ये मैंने अभी देखा है, मुझे नहीं पता था ये। पैटर्न करके वही रेगुलर एक्सप्रेशन आप लगा सकते हैं कि जी वो असल में रेगुलर एक्सप्रेशन का क्या होता है कि जी कौन कौन से कैरेक्टर हो, कैपिटल हो, स्मॉल हो, क्या हो, तो वो वाला चक्कर है, क्योंकि ईमेल में बहुत सारे कैरेक्टर इनवैलिड होते हैं, तमाम स्पेशल कैरेक्टर ईमेल में नहीं लग सकते, ठीक है। कुछ सर्टेन स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे डैश है, अंडरस्कोर है, डॉट है, ये चीज़ें ईमेल में लग जाती हैं, लेकिन बहुत सारे जैसे बैक टिक है वो नहीं मेरे ख्याल ईमेल में एक्सेप्ट करते वो, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में आप उसको वेरीफाई करते हैं कि अच्छा जी उसमें कोई इनवैलिड कैरेक्टर तो नहीं आ गया। तो ये तमाम इसके एट्रीब्यूट हैं। प्लेस होल्डर भी इसमें लग जाता है, रीड ऑनली ये भी हो सकता है, साइज़ इसका भी होगा क्योंकि है तो टेक्स्ट बॉक्स, कि साइज़ कितना बड़ा डिस्प्ले करना है टेक्स्ट बॉक्स का। तो ये जितने भी इनपुट की टाइप्स हैं यहाँ पर, उन सब के बारे में यहाँ पर सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। बताने का मकसद इसको ये है कि कभी भी आपको अगर कोई फॉर्म बनाना हो तो आपके पास बुक तो मौजूद है, लेकिन बुक में थोड़ा ब्रीफली उन्होंने डिस्कस किया है, तो ये आपको एक डिटेल डॉक्यूमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, इसको आप आके देख सकते हैं। इसमें एक एक एट्रीब्यूट के बारे में ये मज़मून भी लिखा हुआ है इन्होंने, और नीचे इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई बना के ना कोड के साथ। जैसे अब ये साइज़ है, अब ये साइज़ के अगर मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे साइज़ को लेकर इन्होंने जो है वो एक एग्जांपल भी बनाई हुई होगी, ठीक है। ये साइज़ की एग्जाम्पल इन्होंने बनाई हुई है कि जी 15 साइज़ होता है तो ये इस तरह से दिखता है, ठीक है। फिज़िकल इनपुट एलिमेंट साइज़ इसने ये बात की है जी, कंट्रोलिंग साइज़ का मतलब ये है कि जो फिज़िकल साइज़ उसका स्क्रीन पे दिख रहा है उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है, तो ये है साइज़। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है जी, डेट इनपुट हमने देख लिया, इसमें मोटी मोटी सारी चीज़ें। अच्छा, टाइप इसकी इमेज भी एक हो सकती है, लेकिन इमेज में एक्चुअली वो दिखेगा कैसा, वो दिखेगा एक फाइल इनपुट जैसा ही दिखेगा वो, ठीक है जी। इसको इमेज करके हम देख लेते हैं।
इसके टाइप आके ना यहाँ से इमेज कर देते हैं। ओह अच्छा, ये टाइप इमेज वो वाला चक्कर नहीं है, ये इमेज इनपुट लेने वाला चक्कर नहीं है, ये एक्चुअली क्या है कि टाइप इमेज करेंगे ना हम, तो ये बटन इमेज बटन की बात हो रही है। ये मैं वही सोच रहा था, इसमें लॉगिन फॉर्म बना हुआ है, इसमें इमेज तो है ही नहीं कहीं। तो असल में इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि जी ये इनपुट इमेज और उसमें SRC दे के जो है ना ये लॉगिन का बटन एक्चुअली बनाया हुआ है। वैसे तो इमेज के ऊपर भी डॉट ऑन क्लिक वगैरह वो सबमिट ये चीज़ें लग जाती हैं, लेकिन ये HTML5 में प्रॉपर एक तरीका इन्होंने बताया हुआ है, तो ये इस तरह कर सकते हैं। ये बुक में बाय द वे आगे डिस्कस भी हुआ है ये वाली बात कि जी इमेज इनपुट वो इमेज बटन कैसे बनेगा। ठीक है जी, अभी ये क्योंकि ये बटन है तो इसमें सारे एट्रीब्यूट बटन वाले हैं, तो बटन के एट्रीब्यूट्स अभी हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो उसका ताल्लुक जाहिर है क्लिक करते हैं तो सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है, तो ये टर्मिनोलॉजी सारी सर्वर वाली है, तो इसको फिलहाल अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, ये टाइप इमेज जो है ये बटन वाला बिहेवियर होगा इसका। वापस हम आ जाते हैं जी अपनी बुक में, हमारे पास टेक्स्ट इनपुट हमने देख लिया है बुक के अंदर। अच्छा ये देखो, कुछ एट्रीब्यूट्स की यहाँ पे बात की है इसने, नेम साइज मैक्स लेंथ की यहाँ पे इन्होंने बात की हुई है, लेकिन तमाम एट्रीब्यूट्स की बात यहाँ पे नहीं की है इन्होंने। टाइप इनपुट पासवर्ड भी इनपुट हो सकता है, पासवर्ड इनपुट जैसे ही मैं इसका करूँगा तो क्या होगा जी कि जो है ना ये मुझे ये लिखा हुआ दिखाएगा नहीं, फिर ये मैंने कुछ लिखा है इसमें तो ये स्टैरिक बना हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया जी कि इसका टाइप पासवर्ड कर दिया, इसके साथ भी साइज़ और मैक्स लेंथ लग सकता है ऑब्वियसली क्योंकि फिजिकल एक इनपुट मौजूद है हमारे पास। टेक्स्ट एरिया हमारे पास मौजूद है, टेक्स्ट एरिया का जो टैग है वो अलग है, इनपुट टैग से टेक्स्ट एरिया नहीं बनेगा, टेक्स्ट एरिया का जो टैग है उसका नाम टेक्स्ट एरिया है पूरा। तो आ जाते हैं जी हम इसके नीचे एक टेक्स्ट एरिया भी बना लेते हैं। ये मैंने टेक्स्ट एरिया, मैंने कहा यार पैराग्राफ और एक पैराग्राफ बना के ना उसके अंदर मैंने टेक्स्ट एरिया लगा दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी एंटर योर कॉमेंट्स। ठीक है जी, एंटर योर कॉमेंट मैंने करके यहाँ पर जो है ना एक टेक्स्ट एरिया बना दिया मैंने, और आप यहाँ पे देखें ये इस तरह से टेक्स्ट एरिया बन के आ गया। टेक्स्ट एरिया में एक बेनिफिट ये होता है कि जी ये छोटा सा कोने में ना इसके ये बना हुआ होता है कि इसको पकड़ के आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये बना हुआ आ रहा होता है, इसको चाहें तो बंद भी कर सकते हैं, हम चाहें तो ये ना बना हुआ है तो ये ना बना हुआ है। ठीक है, इसका साइज़ जो हम बताते हैं वो रोज़ और कॉलम्स के ऊपर बताते हैं। मिसाल के तौर पर 20 कॉलम का मतलब है कि इसकी विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, और 4 कॉलम का मतलब है कि इसकी हाइट कितनी होगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यार आप ना मुझे एक लाइन का बना के दो, तो मैं रो करूँगा वन रो का मतलब है कि एक रो इसमें टेक्स्ट लिखने के लिए ना जगह विजिबल होगी। अब आप देखें वो स्क्रॉल होता जा रहा है उसके बाद। अब मैं इसको कर देता हूँ 2 रोज़, तो वो 2 रोज़ इतनी जगह मुझे दे देगा बना के। ठीक है, ये एंटर योर टेक्स्ट के साथ इतना बड़ा वो क्यों आ रहा है? अच्छा वो यहाँ स्पेस डल गया ना इसलिए आ रहा है। ठीक है, एंड ये टेक्स्ट एरिया जो है वो 2 इनपुट इसका ओपनिंग एलिमेंट टैग है और क्लोजिंग टैग है, 2 टैग्स हैं इसके। ऑन अदर एंड आप इनपुट वाले को देखें ये सेल्फ क्लोजिंग है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं है। ठीक है, ये सेल्फ क्लोजिंग है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब ये सही हो गया है ना। अच्छा, अब आप नोट कीजिएगा कि इसके अंदर पहले से कुछ टैक्स लिखा हुआ आ रहा है, पहले से जो कुछ टैक्स लिखा हुआ आ रहा है वो इस ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान में जो बात लिखी हुई है वो पहले से इसमें लिखी हुई आ रही है। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो वो गायब हो जाएगा। साथ में इसमें प्लेस होल्डर कुछ नहीं लगा हुआ ना, तो प्लेस होल्डर लगा देते हैं, प्लेस होल्डर योर कॉमेंट्स हेयर। ठीक है, तो ये मैंने प्लेस होल्डर लगा दिया, उसको हटा के टेक्स्ट को प्लेस होल्डर लगा दिया। अगर टेक्स्ट इनपुट के अंदर मैं चाहता हूँ कि जी कोई बात पहले से लिखी हुई है तो उसको मैं कैसे लिखूँगा? उसके अंदर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट होगा, उसके अंदर मैं पास करूँगा वैल्यू, और मैंने कहा कि जी ABC, तो ये ABC पहले से लिखा हुआ आ गया। इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है कि पहले से कुछ लिखा हुआ है। वैल्यू को मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, इसका भी जिक्र है उसके अंदर, वैल्यू का भी जिक्र किया हुआ है उन्होंने। ठीक है जी, तो हमने अभी तक इनपुट और टेक्स्ट एरिया दो तरह के जो फॉर्म कंट्रोल के टैग हैं उनको देख लिया है। हमने देखा कि जी इनपुट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं, और हर टाइप के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं।
जैसे टेक्स्ट इनपुट के हमने कुछ एट्रीब्यूट्स देखे, ईमेल इनपुट के देखे हमने, फ़ोन इनपुट है उसके अंदर, एड्रेस इनपुट है उसमें, कलर इनपुट है उसमें, रेंज इनपुट है, बहुत सारे अलग अलग इनपुट हैं उसके अंदर। वापस आ जाते हैं जी, हम टेक्स्ट एरिया हमने देख लिया। अब टेक्स्ट एरिया में कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, इन्होंने मज़मून लिखा है, इसको कोशिश कीजिएगा आप पढ़ लें ताकि छोटी छोटी डिटेल कवर हो जाए। हमारे पास हैं अभी 20 मिनट्स हैं, इंशाल्लाह कोशिश है कि ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लें हम। अच्छा जी, रेडियो बटन को बनाने का जो तरीका है वो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ जी इसको, और जी ये मैंने एक अदद यहाँ पे रेडियो बटन बना दिया। अब आप इसको गौर से देखें ये क्या सिंटैक्स लिखा है इन्होंने। पैराग्राफ, प्लीज़ सेलेक्ट योर फेवरेट जॉनर, उसके बाद इनपुट वन, इनपुट टू, इनपुट थ्री, टाइप इसमें लगी हुई रेडियो। इस एक इनपुट के लिखने से एक गोल सर्कल बनवाएगा। यहाँ पे आप आगे देखें, ये आ गया। अच्छा, जो रॉक लिखा हुआ है ना वो इसके आगे टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ, वो इनपुट के अंदर शामिल नहीं है, आप देखें वो अलग से लिखा हुआ है। तो इनपुट के टैग से जस्ट वो गोल वाला बना हुआ आता है, ये जो गोल वाला लिखा हुआ है जस्ट ये बना हुआ आता है, ये रॉक मैंने अलग से लिखा हुआ है। अगर इस रॉक को मैं यहाँ से हटा दूँ, एज अ पार्ट ऑफ पैराग्राफ लिखा हुआ है वो रॉक, रॉक को मैंने रिमूव कर दिया तो आप देखें वो गायब हो गया। सिलेक्शन अभी भी मौजूद है लेकिन उसके साथ वो बात नहीं लिखी हुई जो उसको चाहिए होती है, मतलब यूज़र को देखने के लिए जो चाहिए होती है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर देखो मैंने बनाने हैं दो इस तरह के ना, सेलेक्ट योर फेवरेट कलर्स, कलर्स भी मैंने बना दिए। मैंने कहा कि जी रेड, ब्लैक और पिंक, पिंक तो नहीं ना पसंद किसी को यहाँ पे। बाय द वे रिसर्च है कि ये पिंक लड़कों को सबसे ज़्यादा पसंद होती है, इसीलिए ख्वातीन को पता है ये बात, तो ख्वातीन इसीलिए पिंक पहनती हैं क्योंकि मर्दों को पसंद होती है। अच्छा, तो अब ये देखें चक्कर क्या हो रहा है अब यहाँ पे कि जी मैं रॉक सेलेक्ट करता हूँ तो ये पिंक डिसलेक्ट हो जाता है, और पिंक सेलेक्ट करता हूँ तो जो है ना वो ये ऊपर ये, तो ये इसको एज अ एक ही रेडियो बटन के तौर पे इसको ट्रीट कर रहा है, हालांकि तो ये दो अलग अलग हैं, तो ये चक्कर क्या हुआ भाई यहाँ पे। वो फॉर्म तो एक ही है लेकिन एक फॉर्म में दो रेडियो बटन चाहिए मुझे, वो चक्कर है यहाँ पर नेम का। ठीक है, ये जो तीन अलग अलग इनपुट है ना इसको ये कंसिडर कर रहा है इस नेम की वजह से, तो मुझे इस नेम को यहाँ पे आके तीनों को चेंज करना होगा। मैं उसको करूँगा कलर, कोई भी नाम रख दूँगा अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे। तो अब ये इन तीनों को एक कंसिडर करेगा, इन तीनों को एक कंसिडर करेगा, ठीक हो गया जी। और जब मैं इसकी वैल्यू को गेट करूँगा तो भी वो इस नेम के ज़रिए मुझे उठा के दे रहा होगा उस वैल्यू को। तो अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना तो पॉप अलग सेलेक्ट हो रहा है, ब्लैक अलग सेलेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो अच्छा एक चीज़ और है, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, एक में रॉक सेलेक्टेड आता है पहले से, एक में रेड पहले से सेलेक्टेड आता है। ये सेलेक्टेड खुद से नहीं आ रहा, ये मैंने एक एट्रीब्यूट पास किया चेक्ड इक्वल्स टू चेक्ड, या मैं सिर्फ चेक भी लगा दूँ तो भी इनफ होगा। सही है, मैंने सिर्फ चेक लगा दिया तो भी ये क्या करेगा, चेक लगवाएगा। ये चेक यहाँ से उठा के मैं कट करके मैं इसको जैज़ पर लगा दूँगा तो जैज़ पहले से चेक हुआ आएगा। ठीक है, रिफ़्रेश किया मैंने, जैज़ पहले से चेक हुआ आएगा। ठीक है, ये चेक करके क्या किया मैंने, ठीक है जी। तो ये चेक करके यहाँ पे एट्रीब्यूट हमने इसको पास किया हुआ, इसके अंदर भी चेक करके हमने एट्रीब्यूट पास किया हुआ है। तो अगर मैं ये एट्रीब्यूट यहाँ से इसको कट करूँ और कट करके मैं पिंक पे लगा दूँ तो पहले से पिंक क्या होगा, सेलेक्टेड आएगा। अच्छा, अगर मैं ये चेकड वाला एट्रीब्यूट बिल्कुल ही ना लगाऊँ, इसको मैं बिल्कुल ही गायब कर दूँ तो क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट कोई सा भी इन तीनों में से कोई सा भी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ नहीं आ रहा है। ठीक है, दोनों की ज़रूरत पड़ती है हमें सम टाइम, जैसे मेल फीमेल है अब उसमें हम पहले से कोई सेलेक्टेड नहीं रखवाते आमतौर पर। ठीक है, क्योंकि फिर वो थोड़ा हमें क्या उसको कहते हैं डोमिनेंस न्यूट्रल हमें चाहिए होता है, डोमिनेंस न्यूट्रल हमें फॉर्म बनाना होता है। किसी अगर किसी खातून ने वो खोल लिया फॉर्म, उसने देखा चाची वो मेल पहले से सेलेक्टेड है तो वो उसको लगेगा ये तो मेंस वर्ल्ड में आ गई मैं
तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीज़ों में हम पहले से सिलेक्टेड शो नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों में हम पहले से सिलेक्टेड शो कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे फ़ोन के कलर्स हैं, तो जो सबसे पॉपुलर कलर है उसको हम पहले से सिलेक्टेड रख देते हैं। या मिसाल के तौर पे अगर वो कोई लोकेशन वगैरह की सिलेक्शन की बात हो रही है, तो समहाउ हम अगर ब्राउज़र की लोकेशन गेट करके उसको पहले से सिलेक्टेड कर दें उस लोकेशन को, तो ये काफ़ी यूज़फुल भी रहता है, लेकिन हमें इसका एहतियात करके इस्तेमाल करना होता है। तो ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। हमने इनपुट देख लिया, हमने रेडियो बटन का इनपुट देख लिया, अब अगला इनपुट है हमारा चेक बॉक्स का इनपुट। तो जी चेक बॉक्स के इनपुट को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसके नीचे हम एक चेक बॉक्स का इनपुट बना देते हैं। ठीक है, एक्चुअली सेलेक्ट योर फेवरेट कलर्स मेरा ये चेक बॉक्स होगा, ठीक है, क्योंकि कलर्स लिखा है मैंने, एक से ज़्यादा कलर सेलेक्ट कर सकता है बंदा, फेवरेट कलर एक से ज़्यादा हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जी प्लीज़ सेलेक्ट योर फेवरेट कलर्स को ना मैं चेक बॉक्स में लगाऊंगा। ठीक है जी, और मैंने कहा कि ठीक है जी, मेरे पास तो ये तीन मेरे पास चेक बॉक्सेस बने हुए आ गए। अच्छा, इस इनपुट के टैग की वजह से वो जस्ट चकोर डिब्बा बना हुआ आएगा, उसके साथ जो बात लिखी होती है ना वो मैंने अलग से यहाँ लिखनी है इधर। ठीक है, iTunes लिखा मैंने, उसको कहा कि जी ये ब्लैक और रेड और पिंक, तो ये मैंने प्लीज़ सेलेक्ट योर फेवरेट कलर्स में ना ये चेकबॉक्स लगा दिया। मैंने कहा यार एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ब्लैक और रेड को बंदे ने साथ साथ वो सेलेक्ट किया। इसमें भी आप नोट करें ब्लैक पहले से चेक्ड हुआ आ रहा है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट पास किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड चेक्ड। ठीक है, चेक्ड इक्वल्स टू चेक्ड, लेकिन जस्ट अगर चेक्ड भी लिख दूँ तो भी इनफ है। तो अगर मैं ये चेक्ड यहाँ से कट करके मैं रेड पर लगा दूँ तो रेड पहले से चेक्ड हुआ आने लग जाएगा फिर। ठीक है, रिफ्रेश किया, रेड पहले से चेक हुआ आ रहा है। तो ये हमने चेक बॉक्स भी देख लिया, इसकी वैल्यू को उठाते कैसे हैं, ज़ाहिर है वो जावास्क्रिप्ट जब हम पढ़ेंगे कि जी वो बंदे ने तो कर दिया है ब्लैक सेलेक्ट और रेड सेलेक्ट, बट वो वैल्यू हमें मिलेगी कैसे, उसको हम फिर प्रोसेस मज़ीद कैसे करेंगे। तो वो अभी HTML में जस्ट स्ट्रक्चर बनाने तक की कहानी है, उसको प्रोसेस कैसे करना है वो CSS के बाद फिर वो जावास्क्रिप्ट के अंदर है। कि जी ये तमाम का मिसाल के तौर पर मैं कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ, अगर कि जी मैं एक टैक्स इनपुट लूँ उसमें लिखूँ वैल्यू नंबर 1 और एक और दूसरा टैक्स इनपुट लूँ उसमें लिखूँ वैल्यू नंबर 2, और उन दोनों में बंदा नंबर लिखने के बाद सबमिट का बटन दबाया तो उन दोनों को प्लस करके मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, तो ये हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे। ठीक है, या मैं कोई ऐसी प्रिडिक्शन की ऐप बनाना चाहता हूँ कि जी मैंने 4-5 चीज़ें लिख दी कि जी आप अपना फेवरेट कलर सेलेक्ट करें, आप अपनी हाइट सेलेक्ट करें, और जो है ना आप अपना वो फेवरेट फूड सेलेक्ट करें, और वो 4-5 चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद सबमिट दबाता है, तो समहाउ मैं कैलकुलेट करके उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कोई प्रेडिक्शन करता हूँ, कोई बताता हूँ। तो इस तरह की ऐप भी हम जावास्क्रिप्ट के बगैर नहीं बना सकते, क्योंकि इस टेक्स्ट बॉक्सेस में से इस रेडियो बटन में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके उसको कंपैरिजन करना, कोई प्रोसेस करना, ये जावास्क्रिप्ट के बगैर पॉसिबल नहीं है। और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए प्रोसेस करके फिर हम इसको सर्वर पर भी भेजते हैं, सर्वर पर फर्दर प्रोसेसिंग भी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम करना सीखेंगे। अच्छा जी, तो चेक बॉक्स हमने डिस्कवर कर लिया। अच्छा, बाय द वे, अगर इसमें ये तीन चेक बॉक्सेस हैं, अगर मुझे चौथा बनाना है तो मैं एक और इस तरह का लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है जी, रिफ्रेश किया मैंने, दैट्स इट। अच्छा, चेक बॉक्स में भी इसी तरह एक देखें आप, नेम के नाम से एक चीज़ मौजूद है। ये अगर आपने 2 या 3 अलग अलग इनपुट्स लेने हैं तो आपको ये नेम सबका अलग अलग रखना होगा, क्योंकि इस नेम से उसको समझ आता है कि ये कौन से वाले इनपुट का पार्ट है। अच्छा जी, ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास अब अवेलेबल है, इसको भी मैं ज़रा उठा लेता हूँ और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बना देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा जी पैराग्राफ, उसके बाद इन्होंने लिखा सेलेक्शन, सेलेक्ट करके इसका नाम है टैग का जिसके ज़रिए हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं, और ईच ऑप्शन हियर, जितने ऑप्शन मुझे बनाने होंगे उतने में ऐसे ऑप्शन करके ऐसे बना दूँगा। ठीक है, इसको ज़रा देखते हैं चला के जी क्या नाम है इसका। What device do you listen music on? iPod, radio, computer. 3 यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी देखें इन्होंने नेम करके एक चीज़ दी है devices, और इसी तरह अगर मैं कोई दूसरा सिलेक्शन बॉक्स बनाता हूँ तो मुझे इसको नेम को चेंज करना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे कार्स या कोई भी नाम मेरी मर्ज़ी का इसमें हो सकता है।
अच्छा जी, तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं कंट्री की सिलेक्शन बनाने लगा हूँ कि जी मुझे 200 कंट्रीज़ जो हैं वो उसकी सिलेक्शन चाहिए। तो मैं इसको नाम रख देता हूँ कंट्रीज़, और पाकिस्तान पाकिस्तान, ठीक है जी। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ चैट जीपीटी के पास और मैं कहता हूँ यार इसके ऑप्शन में ना दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं सबके नाम यहाँ पे लगा दो, और उससे मैं कोड जनरेट करवाता हूँ, क्योंकि इतने सारे नाम हाथ से लिखना जो है इज़ अ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूँ और उसको मैं कहता हूँ कि यार ये जो मेरा है ना, ये मैंने उसको कोड पास किया अपने ट्रिपल बैक टिक में, मॉडिफाई द कोड अबव एंड इंक्लूड ईच एंड एवरी कंट्री नेम। सही है, चलो इतना दे के देखते हैं क्या करता है ये। ठीक है, काम शुरू कर दिया इसने भाई। अब ये दुनिया की सारी, अरे ये क्या किया इसने, ये तो उसने चीटिंग की है। पहले मैं इससे लिस्ट मांगता हूँ ना, पहले तमाम कंट्री की, फिर मैं उसको बोलूँगा कि यार इसको मुझे ना ड्रॉप डाउन इसकी बना दो मुझे। चलो 30-40 भी इसने दे दिए हैं, बहुत है इतना हमारे एग्जांपल। इसके सम टाइम ना टोकन भी ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये ठंडा हो जाता है। ये फ्री वाला वर्जन है ना, इसमें जो इनपुट और आउटपुट के इसका वो लिमिट है कि भाई इतने हज़ार कैरेक्टर तक आपने ठंडे हो जाना है। तो वो सम टाइम इसके बाद जवाब होता है, वो देते देते ना फिर वो बोलता है भाई टोकन ख़त्म हो गया ईच रिक्वेस्ट, फिर अगली रिक्वेस्ट आप करो। हाँ, नहीं नहीं वो इसी में ही हो जाता है, वो ईच रिक्वेस्ट के लिए ना एक लिमिट उन्होंने सेट की है कि वो एक रिक्वेस्ट में ना इतने से ज़्यादा नहीं लंबी बात करवा सकते आप इससे। ठीक है, तो अभी 150 कंट्री तो लिख दी है इसने, अच्छा चल रहा है, लिखवाते हैं अभी इससे कितना कहाँ तक जाता है ये। बस ठंडा हो गया। सही है, तो बस इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ना हाथ से इसको हम पेस्ट कर देते हैं। करना तो मुझे यही चाहिए सुलन, गिव मी फॉर दीज कंट्रीज। HTML लिखना भूल गया मैं, लेकिन चला HTML मैं खुद ही समझ गया। बस ये अब करता रहेगा, लेकिन ये टाइम बहुत लगाएगा ना कोड जनरेट करने में, इतनी देर में मैं इसको हाथ से कर लूँगा। ठीक है, ये मैंने हाथ से कर लिया, ये अभी तक चल ही रहा है। तो ये चैट जीपीटी को तो इंसान भी जा रहा है,
नहीं वो स्पीड अच्छा, ये ठंडा भी जल्दी हो गया ना, देखो टोकन क्योंकि जल्दी ख़त्म हुआ है इस बार ना, 20-25 कंट्री में ही ठंडा हो गया ये, क्योंकि टेक्स्ट कैरेक्टर काउंटिंग पे है ना इसकी लिमिट सारी। अच्छा पहला मैंने सिलेक्शन बॉक्स रखा है सेलेक्ट अ कंट्री, और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखूँगा, इसको मैं सेलेक्टेड रखूँगा कि ये पहले से जो सेलेक्टेड है ना, सेलेक्ट अ कंट्री पहले से आ रहा हूँ। और अब मैं जाके देखता हूँ मेरे कोड में, अब आप देखें इतनी सारी कंट्रीज़ हैं ये, लेकिन यहाँ मेरा कोड कितना क्लीन है। अब मैं ऑटोमेटिकली क्या करूँगा, मैं पी लिखूँगा ना, ये तो पाकिस्तान पे खुद ही चल जाएगा, और इधर एंटर प्रेस नहीं नहीं बस यहाँ पे लिखूँगा ना, मैं ए लिखूँगा तो ये ए पे चला गया, अगर मैं इस पे यू लिखूँगा तो ये यू पे, अच्छा यू से कोई कंट्री शायद है ही नहीं, ठीक है मैं एस लिखूँगा सऊदीया हमारे पास था, ये ऐसे ऐसे जो किया था ये जो है ना इसका सिलेक्शन का ऑप्शन है। अब ये मेरे पास बटन है ऑप्शन प्लस कमांड, इन दोनों को पकड़ के ये सिलेक्शन होगी। विंडोज़ में ये शॉर्टकट थोड़ा अलग होगा, अल्टर प्लस पता नहीं, अल्टर प्लस कंट्रोल होगा पता नहीं कौन सा होगा, उन दोनों को बहरहाल वो चेक कीजिएगा, कोई दो बटन पकड़ के ना आप जब नीचे करेंगे तो ये सिलेक्शन शुरू कर देगा ये, मतलब अच्छा इसको माउस से करने का भी तरीका है, आप ये ऑप्शन पकड़ के ना, मैं ऑप्शन पकड़ के मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा ना वहाँ वहाँ माउस के ही कर्सर आ जाएगा, देख रहे हैं जहाँ जहाँ क्लिक करूँगा ये वहाँ वहाँ आ जाएगा, ये ऑप्शन का बटन मैंने पकड़ा हुआ है, विंडोज़ में ये अल्टर होगा मेरे ख्याल। अब क्या होगा कि मैं कोई भी वर्ड लिखूँगा ना जब, तो वो देखें सब जगह लिखाएगा, जहाँ जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ वहाँ लिखाएगा ये, सही है। तो वो ये वाला चक्कर है, तो इसको मैं माउस से पकड़ के भी ना ऐसे यूँ यूँ कर सकता हूँ, लेकिन इसकी शॉर्टकट की है तो उससे वो जल्दी हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब मैं जब सिलेक्शन करूँगा ना इसकी, तो वो ज़ाहिर है वो शिफ्ट पकड़ के मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो सब पे चलेगा, सारे कर्सरों पे। अच्छा अब सिलेक्शन करने के लिए भी मैं क्या कर रहा हूँ कि शिफ्ट के साथ ना अगर कंट्रोल पकड़ के मैं करूँगा तो ये एक दफ़ा आगे करने पे एक पूरा वर्ड पकड़ता है ये, फिर एक दफ़ा और करूँगा तो पूरा वर्ड पकड़ता है, ठीक है। फिर अगर इसमें मैं कमांड पकड़ के करूँगा तो ये लास्ट लाइन तक चला जाता है। विंडोज़ में हमारे पास जो विंडो का बटन है ना, वो इसमें कमांड का होता है शायद। वेल ये हैं, ये सारे शॉर्टकट विंडोज़ में मौजूद हैं। अच्छा वो आपको मैं बता देता हूँ ना कहाँ से देखेंगे आप, वो आप दबाएंगे F1, ये आ गया। इसके बाद आप जाएंगे कीबोर्ड शॉर्टकट पर, कीबोर्ड शॉर्टकट रेफरेंस, ये आ गया पूरे कीबोर्ड शॉर्टकट का रेफरेंस। अच्छा मेरे पास क्योंकि मैक है तो इसने ये मैक वाला खोला, ये इसने जो चारपाई बनाई हुई है ना चार मुंह वाली, ये कमांड का बटन है, सही है। अब ये विंडोज़ वाला जो है ना कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज़ लिखूंगा ना मैं, तो ये वो विंडोज़ वाला भी आ जाएगा, ये रहा कीबोर्ड शॉर्टकट PDF। ये आप देखें विंडोज़ में ना कंट्रोल करके बताया हुआ है, कंट्रोल शिफ्ट, उसमें वो कमांड बताया हुआ था। अब इसमें जो है ना मेरे पास जो है, अब देखें सर्च में इसने कमांड F बताया हुआ है, तो कमांड इसमें क्या आती है, इसमें कंट्रोल F है, तो कंट्रोल और कमांड शायद एक है। तो समहाउ आप ये पूरा चार्ट डाउनलोड कर लें और इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो इंशाल्लाह आपके हाथ पर सेट हो जाएगा। ये मैं बात नहीं समझा आपकी, एक मिनट मैं करके दिखाता हूँ दोबारा मैंने क्या किया था, मैं करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप ये कह रहे हैं कि जी अब ये मेरे पास कंट्रीज़ की लिस्ट है, तो उसको मैंने ऑप्शन में कैसे कन्वर्ट कर दिया, मैंने ये किया था मैंने ऑप्शन का इतना पार्ट कॉपी किया था, मैंने इतना पार्ट इधर लगा दिया, उसके बाद मैंने क्या किया ये सारे नामों को कॉपी किया, सारे नामों को मैंने कॉपी किया, इसको मैंने एट्रीब्यूट को बंद किया, एट्रीब्यूट को बंद करने के बाद मैंने कमांड को बंद किया तो वो अगला टैग खुद ही आ गया, इधर मैंने इसको दोबारा पेस्ट कर दिया, ये बन गया, ये वैल्यू आ गई जो इंटरनल वैल्यू है, ये डिस्प्ले वाली वैल्यू आ गई जो डिस्प्ले होगी।
अच्छा ये दोनों अलग हो सकती है बाई द वे, मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान को मैं जस्ट पी के लिख दूँ यहाँ पे डिस्प्ले पे, बट यहाँ पूरा पाकिस्तान लिखूँ जो सर्वर पे जाने वाली वैल्यू वो पूरा पाकिस्तान लिखूँ, या मे बी मैं यहाँ पे मैं पूरा पाकिस्तान लिखूँ बट सर्वर पे जाने वाली वैल्यू मैं पी के लिख दूँ कंट्री कोड मे बी, सही है। तो वैल्यू ये दो वैल्यू अलग अलग है, एक दिखने वाली है एक वो है जो सर्वर पर जाएगी। तो ये मैंने इस तरह करके, हाँ यानी जब फॉर्म सबमिट होगा तो ज़ाहिर है ये वैल्यू उठा के मैं सर्वर पर भेजूँगा, वो सर्वर पे जाने वाली वैल्यू जो है वो ये वैल्यू करके लिखी थी, और जो दिखने वाली वैल्यू है वो इस टैग के दरमियान है, ठीक है। जैसे सऊदी लिखा हुआ है ना, तो सऊदी अरब मैं लिखूँगा तो ये सिर्फ डिस्प्ले पे सऊदी अरब होगा, सर्वर पे ये सऊदी जाएगा सर। आमतौर पे दोनों सेम रखते हैं हम, कोशिश करते हैं हम सेम रखने की, लेकिन ये डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर मैं लास्ट में जब जाता हूँ तो ये सऊदी अरब लिखा हुआ आ रहा है लास्ट में, बट सर्वर वाली वैल्यू सिर्फ सऊदी है। चलिए हमारे पास 10 मिनट रह गए हैं लास्ट के। अच्छा सिलेक्शन बॉक्स के अंदर हमारे पास ना एक मल्टी सेलेक्ट बॉक्स भी होता है। मल्टी सेलेक्ट बॉक्स में क्या होता है जी, जाहिर है जैसे वो रेडियो बटन में होता है ना कि जी बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी तो एक सेलेक्ट करना है, तो वो जी ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो, ये चेकबॉक्स में भी तो हो सकता है, चेकबॉक्स में भी तो हो सकता है कि जी 200 कंट्रीज़ के नाम है और आज जो है ना आपको सेलेक्ट करनी है 5 कंट्री उसमें से समहाउ किसी भी के, भाई आप कौन सी कंट्री में जाना आप ज़्यादा पसंद करेंगे या विज़िट करना है तो कौन सी में आप जाएंगे, 5 टॉप 5 कंट्री आप बताएं। तो आप जस्ट क्या करेंगे यहाँ पे आके इसमें आके ना आप लगा देंगे मल्टीपल, दैट्स इट। ये जस्ट मल्टीपल आप लगा देंगे तो क्या होगा कि ये ड्रॉप डाउन आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का हो जाएगा ये। और अब आप इसमें क्या कर पाएंगे, एक से ज़्यादा को सेलेक्ट कर पाएंगे। एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल पकड़ के अफगानिस्तान सेलेक्टेड है, अल्जीरिया नहीं, कंट्रोल से नहीं होगा फिर, ऑप्शन से, अच्छा कंट्रोल ही है मेरे पास, कंट्रोल और कमांड अलग अलग है, तो मेरे पास कमांड पकड़ के हो रहा है, तो मैंने कमांड पकड़ के पाकिस्तान सेलेक्ट किया, अल्जीरिया कर दिया और ये भी कर दिया, अमेरिका अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया अज़रबैजान, तो ये मैंने 5-6 कंट्रीज़ को क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। तो ये क्या है, ये पेज मेरा रिफ्रेश हो गया। तो वेल, तो ये मैंने क्या कर दिया जी, सिलेक्शन कर दी इसकी, जो मल्टीपल सेलेक्ट, इसको आप कह लें मल्टीपल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन कह लें आप इसको, मल्टीपल सेलेक्शन बॉक्स। ये देखना पड़ेगा इस तरह का कोई एट्रीब्यूट मेरी नज़र से गुजरा नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं। हम लिख देते हैं इसमें सेलेक्ट HTML MDN साथ में, इसमें कोई ऐसा एट्रीब्यूट है या नहीं है ज़रा हम देख लेते हैं। ये मल्टीपल करके आ गया हमारे पास, ऐसा कोई एट्रीब्यूट नज़र नहीं आ रहा मुझे, बट स्टिल जब जाहिर है वो मुझे वैल्यू में एक्सट्रैक्ट करूँगा ना, तो पहले मेरी जावास्क्रिप्ट को वो मिलती है, सर्वर पर तो वो बाद में भेजूँगा मैं, तो वो क्या होता है कि जी वो मैं उसमें सारी चीज़ें ना कंडीशन चेक कर सकता हूँ कि जी वो कंडीशन फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही है। 5 सेलेक्ट करने बोला था उसने ज़्यादा सेलेक्ट कर दिया, इसमें कोई एट्रीब्यूट मुझे फ़िलहाल ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो उसको लिमिट कर दे कि 5 ही सेलेक्ट करे, 5 से ज़्यादा ना करे। अलग से भी हम इसको सर्च कर सकते हैं, हाउ टू लिमिट सही है, और HTML भी साथ में लगा देते हैं मल्टी सेलेक्ट। यहाँ बंदे ने पूछा है कि जी मल्टी सेलेक्ट पे आप लिमिट कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, जो आपने सोचा है ना वो पहले किसी ना किसी को प्रॉब्लम आ चुकी है, क्योंकि HTML आज तो नहीं बनी, तो ये हम, इसने ये जावास्क्रिप्ट वाला ही तरीका बताया, इसने बोला भाई वो आप उठा लो पहले वैल्यू सारी, और वैल्यू उठा के आप जो है ना वो जावास्क्रिप्ट से चेक कर लो कि वो कितनी वैल्यूज उसने सेलेक्ट की है। सही है, सब लोगों ने जावास्क्रिप्ट में जी, अभी हम HTML पढ़ रहे हैं, उसके बाद CSS पढ़ेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। नहीं बहुत दूर तो नहीं है, खैर हमारे पास अभी, खैर हम तो अपने जो टाइम लाइन था हम उससे बहुत दूर हैं इस वक्त,
राइट नाउ हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हम 2 महीने में HTML कंप्लीट कर लें, लेकिन अभी ये तो हमें ज़्यादा टाइम हो गया और हाँ वेल सम हाउ ज़्यादातर कसूर तो ये है हमारे पास जो जो इस क्लास के पार्टिसिपेंट्स हैं ना वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उस तरह से ना, तो एक तो ये मेन फैक्टर है, बहरहाल दूसरे भी कुछ एक दो फैक्टर्स हैं, छुट्टियाँ वुट्टियाँ भी आ गई बीच में। तो CSS में भी टारगेट यही है कि 2 महीने मैक्सिमम हमें चाहिए, यानी हमारी 1 महीने में कितनी क्लास होती है, 8 क्लासेस होती हैं, 8 और 8 16 क्लासेस मोर देन इनफ टू कम्प्लीट CSS चैप्टर्स ना, 8 चैप्टर्स हैं टोटल, तो 16 क्लासेस मोर देन इनफ। तो हमें यहाँ पे 16 से तो बहुत ज़्यादा क्लासेस हो गई हैं, 20-25 क्लासेस हो गई हैं हमारी। वेल तो हम अपने टाइमलाइन को पकड़ने की कोशिश करेंगे भाग के ज़रा। ठीक है जी, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन बॉक्स तक रखते हैं, और नेक्स्ट हम फाइल इनपुट से ऑनवर्ड शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को ख़त्म कर लें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जितना आपने पढ़ लिया है अभी तक उतने में आप कोशिश कीजिएगा कि साइनअप का फॉर्म आप बना के लाएँ, डिटेल्ड साइनअप का जो फॉर्म होता है ना वो आप एक बना लें, क्या कहते हैं लॉगिन का फॉर्म, साइन 4 पेजेस की वेबसाइट तो हमने सीख ली है बनाना, तो 4 पेजेस आपने बनाने हैं, एक में लॉगिन का पेज, उस पर लॉगिन का बटन आ रहा हो, तो एक ईमेल इनपुट, नीचे पासवर्ड इनपुट, ईमेल में लिमिट, पासवर्ड में लिमिट, साइनअप लॉगिन का बटन, फिर साइनअप का पेज, साइनअप के पेज में जी फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिमिट्स के साथ जो प्लेस होल्डर वगैरह प्रॉपर लगा के, ठीक है, एड्रेस फ़ोन नंबर जो जो चीज़ें आप समझते हैं कि जी साइनअप के फॉर्म में लेना चाहिए, ठीक है जी, जेंडर वगैरह जो चेक बॉक्स रेडियो बटन सिलेक्शन बॉक्स कंट्री कौन सी है क्या है वो सारी चीज़ें लगा के आपने जो लॉगिन और साइनअप का पेज बना लिया। उसके बाद तीसरा पेज आप एक अलग से बना लें जिसमें आप एक एडमिशन फॉर्म लगा दें, एक एडमिशन फॉर्म आप बना लें कि जी ये बंदा कोई सैलानी जैसे इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन ले रहा है या किसी इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर साइंस का बच्चा है वो एडमिशन लेना चाह रहा है, तो वो जी एक साइनअप का फॉर्म उसके लिए एक एडमिशन का फॉर्म एक बना लें। तो ये 3 फॉर्म्स आपको मैं एज असाइनमेंट दे रहा हूँ जो चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म आप उसको कह लें, उसमें क्या होगा जी कि कोर्स की थोड़ी सी डिटेल होगी कि जी ये कोर्स में क्या पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद ये होगा कि जी आपकी एजुकेशन क्या है एक्स वाई जेड, इस तरह की बातें पूछेंगे आप उससे, उसके अलावा उसका जो है ना आप उससे शायद एडमिशन फॉर्म में एड्रेस आप दोबारा पूछें उससे, फ़ोन नंबर वगैरह पूछेंगे, उसकी एजुकेशन की डिटेल्स पूछेंगे कि क्या क्या पढ़ाई की है, देख लीजिएगा आप कोई एडमिशन फॉर्म निकाल के ना इंटरनेट से उसको आपने छापना है, HTML वर्जन उसका आपने बनाना है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में, और ये असाइनमेंट कोशिश कीजिएगा कि आप लाजमी बना लें, बुक भी पढ़ लें थोड़ा सा आगे जो हमने आज नहीं कवर किया है उसको आप पहले से पढ़ कर आएँ, ताकि जब हम यहाँ क्लास में आए ना तो बुक से आगे की बात करें, अभी बुक से आगे की बहुत सारी बातें हैं जो हमने नहीं की हैं, ठीक है, हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किए, ठीक है, फॉर्म के अंदर बहुत सारी और भी डिटेल्स हैं, तो अगर आप बुक पढ़ के आएंगे तो इंशाल्लाह हम उससे आगे की बात करेंगे, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है क्लास की वो बढ़ेगी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।